चलिए सो डायरेक्टर का चैप्टर इंपॉर्टेंट इसीलिए है 20 मार्क. लिसन टू मी, 20 से 25 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम्स में, दोज क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम दिस चैप्टर. ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है डायरेक्टर्स और हम लोग स्टार्ट करेंगे. हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, 149 से दे दे, 149 से लेके कहां तक? 149 से लेके अपना है ना जय रखा है. सुनो देव, 149 से लेके कहां तक? 205 तक जो सेक्शंस है वो अपन किससे रिलेट करते हैं बच्चों? चलिए कंपनी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी. हाथ पैर सर नाक कान और बाकी कुछ भी कंपनी के पास नहीं होता, दिमाग भी नहीं होता, तो काम करती है. ओए, किसके थ्रू कंपनी काम करती है? कंपनी जो है वो काम करती है किसके थ्रू? एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू. किसके थ्रू बच्चों? कंपनी जो है वो किसके थ्रू काम करती है? एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के थ्रू. नाउ लिसन, सो ऐसे लोग, ऐसे लोग जो किसके बिहाफ पे? कंपनी के बिहाफ पे एक्ट करते हैं, कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहा जाता है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्या कहा जाता है? और हमेशा याद रखना, ब्रिटिशर्स हमको सिखा के गए थे कि एक आदमी कभी भी सही फैसले नहीं लेता. देयर शुड बी अ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग. देयर शुड बी व्हाट बेटा? तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट बेटा? कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो पिक्चर में आ जाता है कौन बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 और सेक्शन 2 सबसेक्शन 34. सेक्शन 2 सबसेक्शन में बोर्ड को डिफाइन किया गया है. किसको डिफाइन किया गया है? ऐसा बोलते हैं कि कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स है. व्हाट इज बोर्ड? बोर्ड इज अ कलेक्टिव बॉडी. किसकी कलेक्टिव बॉडी है? डायरेक्टर्स. ओए, डायरेक्टर्स मिलके क्या बनाते हैं? डायरेक्टर्स मिलके क्या बना देते हैं? बोर्ड. तो बोर्ड क्या है बच्चों? बोर्ड इज व्हाट बेटा? बोर्ड इज अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स. अच्छा लिसन लिसन लिसन, डायरेक्टर कौन है? जो बंदा अपॉइंट हुआ है. जो बंदा कहां पे अपॉइंट हुआ है? जो बंदा बोर्ड में अपॉइंट हुआ है. जो बंदा बोर्ड में अपॉइंट हुआ है वो क्या होता है? डायरेक्टर. तो अब ध्यान से देखो, दो चीजें ध्यान में रखो. पहला, हु इज अ डायरेक्टर? हु इज अ डायरेक्टर? द वन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड. व्हाट इज बोर्ड? कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर. अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ है? इंपैक्ट ये है कि पहले डायरेक्टर का डेजिग्नेशन कंपनी किसी को भी दे देती थी. पहले डायरेक्टर का डेजिग्नेशन किसी को भी कंपनी देती थी. तो पहले कंसेप्ट था डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर सेल्स. लेकिन अभी ये दो डेफिनेशंस आने के बाद ऐसा नहीं है. अब डायरेक्टर का डेजिग्नेशन आप उसी इंसान को दे सकते हो. डायरेक्टर का डेजिग्नेशन आप किसको दे सकते हो? उसी इंसान को दे सकते हो, द वन हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द बोर्ड. किसी भी को नहीं दे सकते. पहले अपन किसी को भी देते थे, अरे तुम, अच्छा डायरेक्टर का साला है, ठीक है तू डायरेक्टर मार्केटिंग जा ऐश कर. अरे क्या है, किसी को भी डायरेक्टर बना दिया. अब ऐसा नहीं है. अब डायरेक्टर आप किसको बना सकते हो? ओनली टू द पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. और उसका जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो कंप्लाई करके अगर आप अपॉइंट होते हो, देन ओनली यू वुड बी कॉल्ड एज व्हाट बेटा? तभी आपको हम क्या मानेंगे? डायरेक्टर मानेंगे. इज दैट क्लियर? चलिए नाउ रिलेशन कंपनी और डायरेक्टर के बीच में रिलेशन क्या होता है?
ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है? तुम लोग यार हद कर, तो वो ऐसी ये चला ना भाई, एक मिनट। कितना हो गया? 23 कर दूं क्या? ठंड लगी तो बताना मेरे को, ठीक है? चलो अभी एकदम ठंडे हो जाओगे सब, इधर कूलिंग पीरियड में आ जाएंगे अपन सब। चलिए, इसका बैटरी डाउन हो गया है, अपन ने प्रूफ कर दिया अपन इससे अच्छे हैं, अपना बैटरी अभी तक डाउन नहीं है। चलिए बच्चों, चलिए बस बस बस। अरे लोन पे लिया है बाबा टेस्ट, तो चोर तो दोगे तो बैंक वाले हमको उठा के ले जाएंगे इधर ना। लिसन 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 प्लीज यार, सो प्लीज 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 प्लीज। सो मैं ये बोल रहा था, कंपनी और डायरेक्टर के बीच में रिलेशन क्या है? प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, ठीक है? कंपनी इज अ प्रिंसिपल और कंपनी के बिहाफ पे कौन काम कौन करता है? डायरेक्टर्स, जो क्या है? कंपनी के एजेंट है, ठीक है? नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर प्राइवेट में 2, मैक्सिमम 15, पब्लिक में मिनिमम 3, मैक्सिमम 15, ओपीसी में 1 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ओपीसी भी 15 कर सकती है? बिल्कुल कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। 15 के ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, exactly। उसके बाद ध्यान देखिए, आपके यहां पे एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो क्या रहा है बच्चों? जो इंडिया में रहा है। कब इंडिया में रहा है? लास्ट नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। कहां पे रहा है बच्चे? इंडिया में। जो बंदा उसी साल कंपनी में कितने दिन रहा है? हाँ, लेकिन अगर कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई है तो जो बच्चों कंपनी क्या हुई है, फॉर एग्जाम्पल ध्यान देखना, कंपनी में एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। और रेसिडेंट डायरेक्टर कौन है? जो उस साल, मतलब जिस साल क्या कर रहे हैं, जिस साल के हम काउंट कर रहे हैं रेसिडेंट डायरेक्टर को, वो उस साल कम से कम कितने दिन उस फाइनेंशियल ईयर में, तो 2019-20 के लिए हम देख रहे हैं रेसिडेंट डायरेक्टर। तो एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो क्या रहा है उस साल, कहां पे रहा हो? 182 डेज इंडिया में रहा हो। अगर नई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है तो पूरे साल में 182 डेज। अगर आपकी कंपनी का पहला ही साल है और आपकी कंपनी अक्टूबर में बनी है, कब बनी है? मार्च से आपकी कंपनी अक्टूबर में इनकॉर्पोरेट हुई, तो जो 90 डेज आपकी कंपनी में, जो 90 डेज इंडिया में रहा है, वो क्या कहलाएगा? रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है? उसके बाद रेसिडेंट डायरेक्टर जो है वो ईयर टू ईयर क्या हो सकता है? रेसिडेंट डायरेक्टर जो है वो ईयर टू ईयर चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा है कंपनी के पास रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ऐसा ही लिखा है कंपनी को रेसिडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है। पास होना चाहिए मतलब, अरे ये ग्लास मेरे पास होना चाहिए, तो ये ग्लास किसी का भी हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है मतलब मेरे पास है। अगर ये लिखा होता कि ग्लास मुझे खरीदना है तो मुझे खरीदना पड़ता, तो यहाँ पे रेसिडेंट डायरेक्टर कंपनी में होना चाहिए। सो कोई भी हो सकता है, इस साल मैं हो सकता हूं, अगले साल देवेंद्र हो सकता है, उसके अगले साल वासु हो सकता है। इज दैट क्लियर? नाउ वुमेन डायरेक्टर, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, अगर आप क्या हो, पब्लिस्टेड नहीं हो पर क्या हो, पब्लिक है, पब्लिक हो, अगर आपकी पेडअप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा। आपका टर्नओवर कितना है? 300 करोड़ या उससे ज्यादा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप कंप्लाई करते हो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको क्या करना है? एक वुमेन डायरेक्टर आपको अपॉइंट करना है। इसके ऑफिस में अगर कोई वैकेंसी होती है तो वैकेंसी आपको फिल करनी है। वैकेंसी के कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर, या फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, विच एवर इज लेटर, उस लेटर के पहले आपको क्या करना है? वैकेंसी को फिल करना है, ठीक है? उसके बाद प्लीज ये बच्चों, उसके बाद देखिए नया प्रोविजंस क्या है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो क्या है, सभी वाइड नोटिफिकेशन प्रोवाइड्स दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द टॉप 500 लिस्टेड कंपनी शैल हैव व्हाट बेटा?
at least one independent women director by April 1, and the board of director of top 1000 listed companies shall have what beta? At least one independent director. कहाँ से बच्चों? एक नहीं नहीं अलग अलग डेट है तो टॉप 1 अप्रैल 2019 से किसकी रिक्वायरमेंट है टॉप 500 को और 1 अप्रैल 2020 से क्या है कि आपके यहां पे क्या होनी चाहिए एक इंडिपेंडेंट विमेन डायरेक्टर और लिखा है एडिशनली एडिशनली मतलब जो एक्ट में है उसके अलावा एक आपके पास क्या होनी चाहिए एडिशनल यस एक एक्ट के हिसाब से होगी एक एक्ट के हिसाब से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी हो सकता है प्लस एक एक्ट के हिसाब से क्या होगा विमेन डायरेक्टर भी क्या होनी चाहिए इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया मीट करने वाली होनी चाहिए लेकिन ये किसके लिए है टॉप 500 के लिए 2019 से और 2020 से टॉप 1000 कंपनीज के लिए ठीक है नाउ उसके बाद कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लीज हियर लिस्टेड कंपनी के लिए कंपोजिशन है अगर उनका चेयरमैन क्या होता है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है तो वन थर्ड डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होंगे अगर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है तो 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट एलओडीआर की रिक्वायरमेंट ठीक है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है आज सुबह हम बात करते जेजे ईरानी कमेटी के बारे में यस नो जेजे ईरानी कमेटी ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में सजेशन दिया था और उसको कंपनीज एक्ट 2013 ने बखूबी क्या किया है फॉलो किया है हर एक लिस्टेड कंपनी में कम से कम कितने डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में वन थर्ड ऑफ टोटल डायरेक्टर शैल बी व्हाट बेटा इंडिपेंडेंट और अगर आप क्या हो पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए कौन सी पब्लिक कंपनी में अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितने हैं या फिर टर्नओवर कितना है या फिर टोटल बोरोइंग्स डिपॉजिट्स के थ्रू डिबेंचर्स के थ्रू बैंक्स के थ्रू सब मिला के कितने के ऊपर है 50 करोड़ के ऊपर है आपके यहाँ पे कंपलसरी दो क्या होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लिस्टेड में वन थर्ड कंपलसरी उसके बाद ध्यान देखिए चलिए उसके बाद प्लीज हियर अगर आप किसी के जेवी कंपनी हो अगर आप किसी की होली ओन सब्सिडरी हो या फिर आप क्या हो डोमेन कंपनी हो भले ही आप ये क्राइटेरियाज मीट करते हो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आपको जरूरत नहीं है उसके बाद अगर ऑडिट कमिटी के कंपोजिशन के चलते अगर ऐसा है कि आपको हायर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़े कितने से टू या वन थर्ड से तो आपको हायर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी अपॉइंट करने पड़ेंगे ये क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंस का ये आप एक बार चाहो तो रीड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम में पूछते नहीं है बट रीड करके जाना नाउ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पीसीआर कंपनी की उसके अपॉइंटमेंट के बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी के फाइनेंशियल ईयर की जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी कंपनी के अबे इधर देखो इधर पहला कंपनी उसके अपॉइंटमेंट के बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद जो कंपनी क्या होगी पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके बाद फाइनेंशियल ईयर की जो पहली बोर्ड मीटिंग होगी उसके बाद बीच में अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिससे नहीं दो ही है ना नहीं अगर ऐसी तीन है बीच में अगर ऐसा कोई इवेंट हो जाए जिससे उसकी इंडिपेंडेंस को क्या पहुंच सकता है नुकसान पहुंच सकता है तो अगर ऐसा कुछ इवेंट हो जाए तो उसको क्या करना है अपॉइंटमेंट के बाद पहली बोर्ड मीटिंग जो अटेंड करेगा फाइनेंशियल की पहली बोर्ड मीटिंग और ऐसा कोई क्राइटेरिया अगर बीच में हो जाए जिससे उसकी इंडिपेंडेंस को क्या हो सकता है नुकसान पहुंच सकता है अगर ऐसे कुछ क्राइटेरिया ऐसा कुछ इवेंट आता है तो वो इवेंट होने के बाद जो पहली बोर्ड मीटिंग है उसको डायरेक्टर को बताना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है कि वो अभी भी गंगा पवित्र है गंगा पवित्र मतलब अभी भी वो क्या करता है इंडिपेंडेंस के क्राइटेरिया वो क्या करता है कंप्लाई करता है ठीक है उसके बाद सेम एलओडीआर में भी सेम चीज लिखी है प्लीज सी एलओडीआर क्या बोलता है उसको एक डिक्लेरेशन भी देना है क्या एलओडीआर क्या बोलते हैं लिस्टेड कंपनी के सेम ऊपर वाले क्राइटेरिया सेम है उसके बाद वो एक और चीज बतानी है उसको एंड दैट उसके नॉलेज में ऐसी कोई सर्कमस्टेंस नहीं है उसके नॉलेज में क्या नहीं है ऐसी कोई सर्कमस्टेंस नहीं है जो उसके इंडिपेंडेंस को क्या करे नुकसान पहुंचाए
जो उसके ऑनेस्टी को क्या करे, नुकसान पहुंचाए, ऐसी कोई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट नहीं करती। उसके बाद लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या करना है, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स को क्या करना है, उस डिक्लेरेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड लेना है, क्या करना है उस रिकॉर्ड को, उस डिक्लेरेशन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, और उसके बाद क्या करना है, उसको चेक भी करना है कि वो सही है या नहीं है बच्चों। उसके बाद अक्टूबर 1, 2018 से टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को क्या करना है, क्या करना है, डायरेक्टर और ऑफिसर्स इंश्योरेंस देना। आज सुबह ही हमने पढ़ा था मैनेजरियल, नहीं सॉरी सॉरी नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो जो, अरे मैंने कल परसों कहीं पढ़ाया था इधर। सो क्या करना है, कौन सी कंपनीज को, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को पिछले साल, टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज को लास्ट ईयर के मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, जो टॉप 500 की लिस्टेड कंपनीज है उनको कौन सी तारीख से, अक्टूबर 1, 2018 से क्या करना है, अपने जितने भी डायरेक्टर हैं और जितने भी टॉप के ऑफिसर्स हैं उनके क्या करना है, उनके काम से अगर कंपनी के ऊपर क्या क्रिएट होती है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, उनके ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो उसके ऊपर क्या लेना है, इंश्योरेंस लेना है, जो किसको प्रोटेक्ट करेगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, या डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा प्लस किसको प्रोटेक्ट करेगा, अच्छा यहां पर सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की बात हो रही है, तो किसी लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब बच्चों ये क्या है इंडिपेंडेंट पॉलिसी वगैरह क्या है, कई लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से झिझकते हैं ना, क्यों सला मैं तो रहूंगा नहीं कंपनी में रेगुलरली, कंपनी में कोई फ्रॉड हो गया, कांड हो गया, अभी तो आप देख ही रहे हो फ्रॉड का जमाना चल रहा है, तो मैं फालतू में नहीं पड़ जाऊंगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि भैया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी अपॉइंट होता है तो उसको एक प्रोटेक्शन दे दो कि प्लीज आप हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाइए, अगर कंपनी की गलती के चलते आपके ऊपर क्या आती है कोई लाइबिलिटी आती है तो हम आपको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या ले रहे हैं, एक इंश्योरेंस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक कंपनी में क्या होता है, एक नॉमिनेट डायरेक्टर भी होता है जिसे कौन नॉमिनेट करता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर गवर्नमेंट अपॉइंट करती है किसी लॉ के हिसाब से आपकी कंपनी में, उसको क्या बोलते हैं, नॉमिनेट डायरेक्टर, आगे डिस्कस करेंगे। रोल पावर्स वगैरह क्या है बच्चों, एक बार देख सकते हो, रीड कर सकते हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो उसको देखना है। ओए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मेन काम क्या है, आपको ये देखना है कि कंपनी लॉ को बराबर से क्या करती है, कंप्लाई करती है, कुछ ऐसा तो नहीं करती जिससे शेयर होल्डर्स को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंपनी बिल्कुल सही तरीके से करती है, तो जो भी है आपको क्या करना है, आपको, आप चूंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आप समझिए आपको सारे स्टेक होल्डर्स को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो बोर्ड में रहते रहते आपको क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हाँ में हाँ मिलाना नहीं है, यू आर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, हर एक मैटर जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाता है उसमें आपको अपना इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना है, जो भी मैटर कहाँ पे रखा जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने रखा जाता है, उस मैटर में यू नीड टू गिव व्हाट बेटा, योर इंडिपेंडेंट ओपिनियन। कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं, 5 ईयर्स के लिए पहली बार, 5 ईयर्स के लिए पहली बार, अच्छा प्रोसीजर क्या है इसके अपॉइंटमेंट का, व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि किसको उनको अपॉइंट करना है, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है, बोर्ड रेजोल्यूशन, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, होल जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में क्या पास करना है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ध्यान से देखो, कई लोग ऐसा मानते हैं कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब आप पहली बार अपॉइंट करते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को जब आप क्या करते हो, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, आपको क्या करना है, 160 की रिक्वायरमेंट भी पूरी फुलफिल करनी है, 160 बोलता हूं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को पहली बार अपॉइंट करते हो तो आपको क्या करना है, सेक्शन 160 की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है, तो ऐसा भी कई लोग मानते हैं, लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको बनाना है, और उसके जनरल मीटिंग में क्या पास करके आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके भी क्या कर सकते हो, उसे अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। ओए कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 5 ईयर्स के लिए, उसके बाद यस आप उसको दूसरे टर्म के लिए भी अपॉइंट कर सकते हो, 5
सो मैं क्या बोल रहा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए आप दो तरीके फॉलो कर सकते हो. प्लीज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक व्यू है, वो ये भी मानता है कि आप क्या करो, 160 के अंदर वो जो नोटिस लगता है, किसके अंदर, 160 के अंदर जो क्या लगता है, नोटिस लगता है, आप वो भी दे सकते हो. दूसरा व्यू ये मानता है कि डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग में क्या पास करो, बोर्ड रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग में उसका जानकारी दो, जनरल मीटिंग में क्या करो, सॉरी नोटिस में क्या करो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जानकारी दो, मीटिंग होल्ड करो, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, उसको अपॉइंट कर लो. ठीक है, दोनों व्यूज सही है, कोई दिक्कत नहीं है. और उसके बाद आप उसको पहली बार अपॉइंट कर दो, उसके बाद उसके परफॉर्मेंस वगैरह को इवेल्युएट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं अनदर 5 ईयर्स के. लेकिन अनदर 5 ईयर्स के अपॉइंट करना, जनरल मीटिंग में क्या लगेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा जनरल मीटिंग में. इज दैट क्लियर? और हमेशा याद रखना, जिस इंडिपेंडेंट, चलो वो मैं आगे बताऊंगा, जिस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके किया था, उसको रिमूव भी कैसे करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके 169 के अंदर. इज दैट क्लियर? चलिए, उसके बाद 5-5 साल की उसकी 2 टर्म हो जाती है, उसके बाद उसको ठंडा होने भेज दो, कूलिंग पीरियड लेके कितने साल का, 3 ईयर्स. चलिए, उसके बाद अच्छा, अगर वो उसको तुमने एक बार में 3 साल की अपॉइंट किया, दूसरी बार में भी 3 साल की अपॉइंट किया, पहली बार में 3 साल की अपॉइंट किया, उसका 3 साल का पीरियड खत्म हो गया, वापस से 3 साल की अपॉइंट किया, ये जो दूसरा 3 साल की अपॉइंट किया कैसे, ऑर्डिनरी या स्पेशल, स्पेशल के थ्रू अपॉइंट करोगे, और फिर से उसको क्या करना है, कूलिंग पीरियड में जाना है. तो हमेशा याद रखना, क्योंकि लॉ में क्या लिखा है, 2 consecutive term एक्सपायर होने के बाद ही हैज टू बी इन कूलिंग पीरियड ऑफ कितना, 3 ईयर्स. और उन 3 सालों में वो कंपनी के साथ किसी भी प्रकार का रिलेशन रखना नहीं चाहिए. उसके बाद ध्यान से देखते हैं बच्चों. अच्छा, लिस्टेड कंपनी को क्या करना है, लिस्टेड कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम एक बोर्ड मीटिंग या एक मीटिंग ऐसी होल्ड करनी है जो क्या है, सेपरेट है, जिसमें बाकी के डायरेक्टर्स आते नहीं है. और इस मीटिंग में बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या करते हैं, बाकी सारे डायरेक्टर्स का और पूरे बोर्ड का परफॉर्मेंस क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं. और हर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, किसमें, सेपरेट मीटिंग ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या करे, वो पार्टिसिपेट करे. उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिर्फ उन्हीं हरकतों के जिम्मेदार माना जाएगा जो हरकतें कैसी हुई हैं, उसके नॉलेज में हुई हैं, उसके कनिवेंस, उसकी मदद से हुई हैं, या फिर उसकी नॉलेज से हुई है, या फिर उसकी मदद से हुई है, या फिर बोर्ड प्रोसेसेस के थ्रू हुई है. बोर्ड प्रोसेस मतलब बोर्ड मीटिंग में डिस्कस हुआ था, बट स्टिल वो प्रेजेंट भी था, बट उसने गलत काम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन नहीं लिया. उसके बाद अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रिजाइन करता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है, तो नया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने महीने के अंदर अपॉइंट होगा, रिमूवल के फर्स्ट, रिमूवल के 3 महीने के अंदर, या फिर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, व्हिच एवर इज लेटर. तो लेटर के डेट के पहले आपको क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऑफिस में जो वैकेंसी हुई है उसको क्या करना है, फिल करना है. इज दैट क्लियर? नाउ उसके बाद इंडिपेंडेंट लिस्टेड कंपनी के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए. कौन सा प्रोग्राम, लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम चलाना चाहिए, जिसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंपनी के कल्चर से, कंपनी के बिजनेस से, क्या किया कंपनी के पॉलिसी से, क्या किया जाए, उसके रूल्स क्या है, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उससे क्या करवा सके, अवगत करवा सके. तो ये यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. ये सेम जो मैंने आपको बताया था, उसको डिस्क्लोजर देना है कि वो इंडिपेंडेंसी क्राइटेरिया क्या करता है, मीट करता है, लिस्टेड कंपनी के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट है. चलिए, प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो आप ये वाला प्रोसेस देख सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है. 30 दिन के अंदर क्या करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है. उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी, आईएफएससी की पब्लिक कंपनीज को एग्जम्प्ट कर दिया है, किससे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने से. उसके बाद मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हुम, मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ हुज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को आप सिलेक्ट कैसे करोगे, कुछ नहीं बच्चों, कंपनीज के, कंपनीज ने क्या किया है, 149 सबसेक्शन 6 के अंदर जो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया है उसको काफी स्ट्रिक्ट बनाया है. तो कंपनी को ना ऐसे अपने आसपास के लोगों में कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, किसके लिए,
कंपनी को अपने आसपास के लोगों में कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, किसके लिए? टू बी अपॉइंटेड एज व्हाट? टू बी अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो इस केस में कंपनी क्या करेगी? कुछ नहीं, कंपनीज एक्ट ने अपनी कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ एजेंसीज को अपॉइंट करेगी। वो एजेंसीज क्या करेंगी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेटाबेस क्या करेगी, अपनी वेबसाइट पे मेंटेन करेगी। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब कैंडिडेट्स का। तो अपन में से किसी को भी क्या करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है। तो जैसे मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा डेजिग्नेशन, मैं कहां पे काम करता हूं, ये सारी डिटेल्स मैं किसको दूंगा, उस एजेंसी को दूंगा। और वो एजेंसी मेरा क्या करेगी, वो एजेंसी मेरा नाम कहां डाल देगी, उस डेटाबेस में डाल देगी। किसी भी कंपनी को अगर क्या अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो क्या वो मेरा नाम वहां से सिलेक्ट कर सकती है? यस, इज दैट क्लियर? सो बच्चों ये इस तरीके से क्या किया जाएगा। अच्छा, और मैं अपना नाम मैंने डलवाया था, तो क्या मैं वो एजेंसी मेरा नाम फ्री में डालेगी? नहीं, मेरे से क्या लेगी, पैसे लेगी। और जब भी मैंने जो एजेंसी को डिटेल्स दी थी, नाम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, उसमें कुछ भी चेंज होता है, तो उसके 30 दिन के अंदर मुझे क्या करना है, एजेंसी को इन्फॉर्म करना है। जो डेटा एजेंसी की वेबसाइट पे है, दैट शुड बी प्रिंटेबल। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? प्रिंटेबल फॉर्म में होना चाहिए, सर्चेबल फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मुझे मान लीजिए जैन आदमी को अपना डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो इट शुड बी लाइक, या फिर किसी कंपनी सेक्रेटरी को अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो मैं जस्ट क्या लिखूं, कंपनी सेक्रेटरी लिखूं। तो जितने भी उस डेटाबेस में क्या है, कंपनी सेक्रेटरी कशेश, जितने भी क्या है बच्चों, कंपनी सेक्रेटरी हैं उस डेटाबेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन सबका नाम आ जाएगा। मैं प्रिंट निकाल सकता हूं, मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूं और मैं अपॉइंट कर सकता हूं। जिस बंदे को तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उस डेटाबेस से अपॉइंट किया है, अगर मान लो वो गलत आदमी निकला, फ्रॉड वर्ड करके भाग गया, तो तुम उस एजेंसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते कि साले मैंने तेरी एजेंसी देख के लिया था वो भाग। अरे एजेंसी ने सिर्फ क्या किया था, सजेशन दिया था, अपॉइंट ना करना, करना किसके ऊपर था, तुम्हारे ऊपर था। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द मैनर ऑफ व्हाट बेटा, दिस इज द मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नाउ प्लीज हियर, इधर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कॉकरोच उधर? अरे कुछ नहीं होता बाबा कॉकरोच। अरे तुम मेरे घर पे आना, हम सोते रहते हैं, हमारे ऊपर से जाते रहते हैं कॉकरोच, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। कॉकरोच वॉकरोच क्या है बच्चों, इंसान है वो भी बच्चों, पिछले जन्म में होगा, पाप किए होंगे, सीएस नहीं किया होगा, इसलिए कॉकरोच बना है। इधर चलिए बच्चों, इधर ना प्लीज हियर बच्चों, सेक्शन नंबर 151 किसे डील करता है? गरीबों का नेता कैसा हो, स्मॉल शेयर होल्डर जैसा हो। यस और नो बच्चों? सो ये स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर कौन होता है? प्लीज अबे सीटीवीटी मत बजाओ। चलिए बच्चों, इधर 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 शर्म आती मेरे को, तुम लोग सीटी बजाते हो तो प्लीज तो बच्चों प्लीज सी बार बार नहीं बजाओ प्लीज। सो बच्चों प्लीज सी हियर, प्लीज सी हियर, मरवाओगे तुम लोग, अगल बगल के लोग पीटेंगे अपने को, पुलिस पुलिस वाले आ जाएंगे भाई। इधर सो प्लीज हियर। सो अगला जो डिस्कशन है, डायरेक्टर अपॉइंट। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता दूं, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो ध्यान देखिए प्लीज हियर, 151 क्या है, डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। ये स्मॉल शेयर होल्डर कौन है? 20,000 रुपए की फेस वैल्यू पे जो क्या करता है, शेयर होल्ड करता है, 20,000 रुपए तक के शेयर, उसको अपन बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर। प्लीज 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 कुछ चीजें ध्यान में रखिए। एक कंपनी, बेसिकली लिस्टेड कंपनी, कौन सी कंपनी, लिस्टेड कंपनी, 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स के नोटिस पे, या फिर टोटल स्मॉल शेयर होल्डर के कितने परसेंट, 1/10 ऑफ टोटल स्मॉल शेयर होल्डर्स के नोटिस में, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अगर तुम्हारी कंपनी में 500 ही शेयर होल्डर है, 500 स्मॉल शेयर होल्डर है, तो 50 कितने, 50 स्मॉल शेयर होल्डर्स के किसी बच्चों नोटिस पे, 1000 या फिर 110, विच एवर इज लेस के नोटिस पे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद की इच्छा पे, या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर सकते हैं, एक ऐसा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो कंपनी के बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व करेगा, स्मॉल शेयर होल्डर का।
ये बंदा अपॉइंट होगा कितने साल के लिए? ये बंदा 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और अपने पूरे जीवन काल में कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर ये एक ही साल में एक ही बार बन सकता है। उसके बाद ध्यान से, एक साथ एक टाइम पे दो कंपनी का स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर रह सकता है, बट मेक श्योर कि दूसरी कंपनी जो है वो क्या ना हो, कॉम्पिटिटिव कंपनी ना हो, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखिए, अब अपॉइंट करने का प्रोसीजर क्या है, इन लोगों का नोटिस कितने दिन पहले आएगा, इन लोगों का नोटिस जो लोग अपॉइंट करना चाहते हैं उनका नोटिस कब आएगा, मीटिंग है कितने दिन पहले, 14 डेज पहले, कितने दिन पहले आएगा, 14 डेज पहले आएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए, ओए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पास कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है, अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं करना है तो भाड़ में जाओ। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग भाड़ में नहीं जाओगे, तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग नोटिस दोगे किसको, मैनेजमेंट को। क्या नोटिस दोगे कि हम फलाने बंदे को क्या करना चाहते हैं, We wish to appoint this particular person as what? As a small shareholder director. हम इस फलाने आदमी को क्या अपॉइंट करना चाहते हैं, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं। जो शेयर होल्डर नॉमिनेट करेंगे, जो शेयर होल्डर क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, उनका नाम, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने होल्ड करते हैं, फोली नंबर, क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, ये सब उनको देना है। उसके बाद जिस बंदे को आप क्या कर रहे हो, जिस बंदे को आप नॉमिनेट कर रहे हो आपको उसकी भी सारी जानकारी देनी है, लेकिन अगर नाम, एड्रेस, डिन, ये सब बताना है, उसका कंसेंट, देन वो कंपनी में शेयर होल्ड करता है, लेकिन अगर वो कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करता तो ये सब जानकारी देने की जरूरत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर स्मॉल शेयर होल्डर है नहीं है, शेयर होल्डर है नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई भी इंसान हो सकता है। उसके बाद आपने डायरेक्टर्स को नोटिस दिया, डायरेक्टर को पसंद आया कि भाई नहीं यार कंपनी में होना चाहिए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, डायरेक्टर वो नोटिस किसको फॉरवर्ड करते हैं, शेयर होल्डर को। जनरल मीटिंग होती है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है और आप किसको अपॉइंट कर लेते हो, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को। लिसन टू मी, प्लीज हियर, तो अपन ने कौन से डायरेक्टर को अपॉइंट किया बच्चों, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को हमने क्या किया है, अपॉइंट किया 14 डेज। ओके, अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी अपॉइंट कर सकता है स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं एज ए स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, यस कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब अपनी इच्छा पे अपॉइंट करते हैं तो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और शेयर होल्डर भी किसी भी इंसान का नाम क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, बट वो डिस्क्वालिफाइड होना नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा अगर स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6 का क्राइटेरिया मीट करता है तो देन ही इज ट्रीटेड एज व्हाट बेटा, देन ही इज ट्रीटेड एज व्हाट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर किसका क्राइटेरिया मीट करता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया मीट करता है तो वो क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट ही सॉरी स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अगर इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया मीट करता है तो वो क्या कहलाएगा, आप उसको इंडिपेंडेंट मान सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो इंडिपेंडेंट के कपड़े पहन लेगा, मतलब पांच साल नहीं, उसका क्राइटेरिया क्या है, 3 साल वाला ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा क्या वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होगा, नहीं वो बिल्कुल लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होगा, उसका मैक्सिमम टर्म कितना हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। उसके बाद बच्चों अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए 167 के अंदर उसका ऑफिस क्या हो जाए, विकेट हो जाए, या फिर अगर उसका इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया क्या हो जाए, चला जाए, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, तो उसको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़ा सा अजीब सा प्रोविजन है बट ठीक है, लिखा है तो सही है कि क्योंकि वो अगर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया लूज करता है तो भी उसको क्या रहना चाहिए था, अगर वो इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया लूज करता है तो भी उसको क्या रहना चाहिए था, स्मॉल शेयर होल्डर। लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि शुरू में वो इंडिपेंडेंट था, लेकिन मतलब स्मॉल शेयर होल्डर था बट वो इंडिपेंडेंट था, हम उसको क्या मानते थे, इंडिपेंडेंट, बट उसने अगर इंडिपेंडेंस का क्राइटेरिया लूज कर दिया तो ही वॉन्ट बी कंटिन्यूइंग इवन एज अ स्मॉल शेयर होल्डर, उसका ऑफिस क्या हो जाएगा, वेकेट हो जाएगा, मतलब उसने कंपनी से कोई ना कोई तो गड़बड़ किया है, ऐसा कुछ लॉ ऐसा लॉजिक लगाता होगा। उसके बाद ये एक प्रोविजन है मैंने डाला है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एक बार आप स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर का ऑफिस छोड़ दिए कंपनी में, उसके बाद 3 साल तक आप कोई रिलेशन कंपनी के साथ
क्या 3 साल के बाद आप कंपनी के नॉर्मल डायरेक्टर बन सकते हो? यस, 3 साल के बाद बन सकते हो, बट स्मॉल शेयरहोल्डर वापस से आप कभी बन नहीं सकते। क्यों? मौका सबको मिलना चाहिए, बहुत सारे स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग, उसके बाद ये सब रीड कर लेना, आपकी जानकारी के लिए है। नाउ कम टू विच सेक्शन, एक मिनट, स्मॉल शेयरहोल्डर डायरेक्टर सबको समझा, लिख के आना भी अच्छे से इधर। नेक्स्ट इज 152, व्हाट इज अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। तो मैं अब डिस्कस करूंगा आपके साथ कौन सा सेक्शन, 152, जो किससे डील करता है, अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर। प्लीज ये बच्चों, बहुत अच्छा सेक्शन है। नाउ लिसन, प्लीज लिसन टू मी। मंथुर यार, वो सामने वाली क्लास में ना 2 रिमोट रखे होंगे बड़े से, वो ला देना, अंधेरा है लेकिन। चलिए पीसीएम, तो ध्यान देखिए बच्चों, किसी बारे में बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 152, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय व्हाट बेटा, सॉरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। चलिए बच्चों, आप सबकी इच्छा, चलिए नरेशन प्लीज सी। हाँ बेटा, नहीं ऐसे, चलिए इधर देखिए, प्लीज ना, प्लीज सी बच्चों, प्लीज बच्चों, सेक्शन 152 क्या बोलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आई ट्राई कि मैं इसको जल्दी खत्म करूं, बट ध्यान से देखना, सबको एकदम अच्छे से समझना चाहिए। सेक्शन 152 डायरेक्टर्स के बारे में, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है, थैंक यू यार। चलिए सेक्शन नंबर 152 जो है वो किसके बारे में बात करता है, डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में। नाउ प्लीज, अब मुझे प्लीज हियर, 152 बड़ा सिंपल सेक्शन, सबसे पहले फर्स्ट डायरेक्टर, इनकॉर्पोरेशन की डेट से जो कहां तक ऑफिस होल्ड करते हैं, टिल द रेट ऑफ जनरल मीटिंग इन विच डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड। क्योंकि डायरेक्टर हमेशा कौन अपॉइंट करता है, शेयर होल्डर्स, लेकिन चूंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद तो अपने को शेयर होल्डर की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना, तो उसके लिए डायरेक्टर चाहिए, इसलिए कौन से डायरेक्टर आते हैं पिक्चर में, फर्स्ट डायरेक्टर। तो फर्स्ट डायरेक्टर कौन होते हैं, जो इनकॉर्पोरेशन की डेट से कहां तक, फर्स्ट जनरल मीटिंग या जनरल मीटिंग जिसमें डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं वहां तक ऑफिस होल्ड करते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। कौन होते फर्स्ट डायरेक्टर, इनका नाम लिखा होता है कहां पे, अगर आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा है तो सब्सक्राइबर, जो क्या है सब्सक्राइबर, और सब्सक्राइबर कौन से इंडिविजुअल है, उनको अपन क्या मानते हैं, फर्स्ट डायरेक्टर मानते हैं, ठीक है। फर्स्ट डायरेक्टर का ऑफिस कब तक रहता है, अबे जनरल मीटिंग, कौन सी जनरल मीटिंग, जिस जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, इट कैन बी फर्स्ट एजीएम एज वेल, या फिर एजीएम के पहले की भी क्या हो सकती है, कोई जनरल मीटिंग हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे अपॉइंट करेंगे, तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, कैसे अपॉइंट करेंगे, सेक्शन 160 के हिसाब से। किसके हिसाब से, 160 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, यस अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर। तो प्लीज हियर बच्चों, सो तरीका क्या है, तो कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग में, किसमें, कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, कौन अपॉइंट करेगा, तरीका क्या है। अच्छा, फर्स्ट डायरेक्टर का ऑफिस तो चला जाएगा, हिमांशु फर्स्ट डायरेक्टर का ऑफिस तो क्या होगा, चला जाएगा। तो ध्यान देखिए, तो अब एक्चुअल डायरेक्टर आएंगे, भाड़े के टट्टू गए, अब कौन आएंगे, एक्चुअल डायरेक्टर आएंगे जिनको कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर। तो कुछ नहीं, कैसे अपॉइंट करेंगे, जो डायरेक्टर बनेंगे कैंडिडेट्स,
या फिर शेयर होल्डर, उनके नाम को क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे। किसके नाम को? जिनको डायरेक्टर बनाना है उनके नाम को कौन प्रपोज करेगा? शेयर होल्डर। या फिर जो डायरेक्टर बनना चाहता है वो खुद के नाम को प्रपोज करेगा। जनरल मीटिंग के दिन पहले, जनरल मीटिंग के दिन पहले 14 डेज पहले। और कितने रुपए का डिपॉजिट लगेगा? 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट लगेगा। लेकिन 1,00,000 रुपए का डिपॉजिट किसके लिए लगेगा? अगर किसी ऐसे बंदे को डायरेक्टर बना रहे हो जिसके नाम को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या फिर नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी ने रिकमेंड किया, तो उसके लिए 1,00,000 का डिपॉजिट की जरूरत नहीं है। उसके बाद ध्यान से, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? जिन जिन डायरेक्टर्स का नाम सजेस्ट किया गया है, 7 दिन जनरल मीटिंग के दिन पहले शेयर होल्डर्स को भेजेगी। उसके बाद क्या होगा? जनरल मीटिंग होगी। जनरल मीटिंग में क्या पास किया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और उन डायरेक्टर को क्या कर लिया जाएगा? अपॉइंट कर लिया जाएगा। जो नोटिस आया था कैंडिडेचर का, वो नोटिस कैंडिडेट भी भेज सकता है। कैंडिडेट के पास एक भी शेयर ना हो तो भी कोई फर्क, या फिर आपका नाम कौन प्रपोज कर सकता है? शेयर होल्डर। उसमें क्या क्या लिखा रहना चाहिए? आपका नाम, आपका डिन, और आपका कंसेंट। आपका कंसेंट, आप अपॉइंट, आपके अपॉइंट होने के 30 डेज के अंदर क्या करना है? ROC के साथ फाइल करना है। क्या फाइल करना है? आपका कंसेंट। कहानी खत्म। सो कहना इसे फर्स्ट जनरल मीटिंग हो गई कंपनी की, जिसमें आपने क्या कर लिया? अरे मेरी माँ, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिया अपन ने। क्या अपॉइंट कर लिया अपन ने? तो आपकी फर्स्ट जनरल मीटिंग सक्सेसफुली हो गई, आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लिए। अब ये एक्चुअल डायरेक्टर है जिसको किसने अपॉइंट किया है? ये कंपनी के एक्चुअल डायरेक्टर्स हैं, हु हैव बीन अपॉइंटेड बाय वॉनपिटा शेयर होल्डर्स। इज दैट क्लियर? भाई क्या हो गया, बैठ जाना। खड़े होने के लिए पैर दिए भगवान ने, टिकाने के लिए भी कुछ दिया है, बैठ जा भाई। चलिए प्लीज हियर बच्चों। हाँ अच्छा, मैं बैठ गया इसलिए खड़े होने के लिए बहुत अच्छी है। चलिए प्लीज हियर बच्चों, ना प्लीज डू नॉट टॉक। हाँ खड़े होने से क्या नहीं होती? नींद नहीं आती क्या? पता नहीं। चुप कर इधर ना, लिसन इधर 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 इधर। आपका डायरेक्टर अपॉइंट हो गया, सही डायरेक्टर अपॉइंट हो गया। 152 बोलता है कि एक्ट में अगर कुछ और नहीं लिखा तो सारे डायरेक्टर कहां पे अपॉइंट होने चाहिए? जनरल मीटिंग में। करेक्ट है? अब फर्स्ट जनरल मीटिंग के बाद, फर्स्ट जनरल मीटिंग जिसमें तुमने क्या अपॉइंट किया है? डायरेक्टर्स अपॉइंट किए हैं। उसके बाद ध्यान से देखेंगे मेरी बात, उसके बाद आपकी जो भी क्या होंगी, फर्स्ट जनरल मीटिंग जिसमें आपने डायरेक्टर अपॉइंट किया, उसके बाद आपकी जो भी क्या होंगी, सब्सिक्वेंट AGMs होंगी। क्या होंगी? सब्सिक्वेंट AGMs होंगी। उसमें आपको क्या करना है? कितने डायरेक्टर्स? 2/3 डायरेक्टर्स। कितने डायरेक्टर? डायरेक्टर आपके क्या होंगे? ऐसे होंगे जो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे। लेकिन ये कब होगा? अगर आपके आर्टिकल में ये नहीं लिखा है कि सारे डायरेक्टर्स को लायबल टू रिटायर बाय, या सारे डायरेक्टर्स को रिटायर होना चाहिए, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो कम से कम कितने? पब्लिक कंपनी में। कौन सी कंपनी में? पब्लिक कंपनी के 2/3 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो जिनका ऑफिस विल कम टू एन एंड, दे विल बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। बाकी के जो बच गए कितने? तो फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी में नॉन डायरेक्टर थे तो 2/3 मतलब 6 और 1/3। इनको आर्टिकल्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं क्या कि ये क्या है? परमानेंट डायरेक्टर्स है। ठीक है, अब ये 2/3 डायरेक्टर्स है। अच्छा ये तो, ये बाकी के जो 2/3 है, ये 1/3 और 2/3, ये सब कहां पे अपॉइंट होने चाहिए? ये सब कहां पे? अगर आर्टिकल में कुछ और लिखा हुआ नहीं है तो ये सब भी कहां पे अपॉइंट होने चाहिए? जनरल मीटिंग में ही अपॉइंट होने चाहिए। इज एवरीवन विद मी? उसके बाद तो ये सब कब होगा? फर्स्ट जनरल मीटिंग के बाद से जो सब्सिक्वेंट AGM है उसमें अपन ने कितने डायरेक्टर अलग कर दिए? 2/3। अच्छा ये 2/3 मतलब 2/3 है या नॉट लेस देन 2/3 है? Not less than 2/3 है, ठीक है? So, अगर 4.33 होता तो कितने डायरेक्टर? Yes, very nice. Label कितने होते? 5. उसके बाद अभी 6 डायरेक्टर आपके हो गए, Label है, 6 डायरेक्टर क्या है? अब क्या करना है बच्चों आपको? 6 में से
छह में से वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड व्हाट नियरेस्ट नियरेस्ट टू वन थर्ड क्या करोगे बच्चों आप हर साल क्या करोगे रिटायर करोगे कंपल्सरली आपको क्या करना है रिटायर करना है फर्स्ट जनरल मीटिंग के बाद जो भी सब्सिक्वेंट एजीएम्स होंगे उसमें ओवर थ्री एजीएम्स आप इन तीनों क्या कर दोगे ओवर कमिंग नेक्स्ट थ्री एजीएम्स आप तीनों क्या कर दोगे रिटायर कर लोगे अरे हाँ या ना आप तीनों क्या कर दोगे रिटायर कर दोगे नाउ लिसन टू मी उसके बाद जिन डायरेक्टर्स को आप रिटायर करते हो जिन डायरेक्टर्स को आप क्या करते हो रिटायर करते हो अच्छा ये कौन होंगे उन टू थर्ड में से वन थर्ड चुनना है वो वन थर्ड कौन होंगे जो ऑफिस में क्या रहे हो लॉन्गेस्ट रहे हो अगर जो डायरेक्टर सेम डे अपॉइंट हुए थे तो उनके बीच में कुछ अग्रीमेंट था वो देख लेना अगर अग्रीमेंट नहीं है तो लॉटरी के थ्रू किसके थ्रू लॉटरी के थ्रू आप डिसाइड कर लो कि कौन सा डायरेक्टर जो है वो क्या होगा रिटायर होगा ठीक है उसके बाद उसके बाद बच्चों जो डायरेक्टर क्या हुए हैं जो डायरेक्टर क्या हुआ है रिटायर हुए कौन सा डायरेक्टर वन थर्ड डायरेक्टर रिटायर हुए ना दो डायरेक्टर अगर छह मानो तो कितने अबे छह मानो तो दो डायरेक्टर ना वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड दो डायरेक्टर क्या हुए हैं रिटायर हुए ये जो डायरेक्टर है ये जो डायरेक्टर है उसी एजीएम में क्या करना है आपको और अगर रीअपॉइंट नहीं करना है तो आप रेजोल्यूशन पास कर दो कि हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे तो याद कुछ ना कुछ तो करो या तो क्या कर दो रीअपॉइंट कर लो या फिर रेजोल्यूशन पास कर दो कि यार उनको हम रीअपॉइंट करने वाले नहीं है या फिर बच्चों एक और चीज है अगर आपने रेजोल्यूशन रखा उसके रीअपॉइंटमेंट का बट शेयर होल्डर ने क्या नहीं किया तो फिर अप्रूव ही नहीं किया मतलब मोशन रखा था बट मोशन जीत गया मोशन हार गया अब हार गया तो बात अलग है खत्म हो गई बात लेकिन आपने बच्चों ये ऊपर की दो चीजें कौन सी दो चीजें या तो रीअपॉइंट नहीं किया या फिर एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया कि हम उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे मतलब आपने उसको बीच में छोड़ दिया तो क्या होगा बच्चों आपकी एजीएम जो है वो क्या हो जाएगी एडजर्न हो जाएगी सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस नेक्स्ट वीक में नेशनल हॉलीडे तो उसके अगले वाले दिन में इज दैट क्लियर अब मामला कहां चला जाएगा एडजर्न एजीएम में एडजर्न एजीएम में भी सेम चीज या तो उसको रीअपॉइंट कर दो या तो आप उसको रीअपॉइंट कर दो या फिर एक्सप्रेसली रिजॉल्व कर दो क्या रिजॉल्व कर दो कि उसको हमको रीअपॉइंट नहीं करना है तुमने दोनों नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रीअपॉइंट हो जाएगा लेकिन अगर उसने खुद से बोल दिया कि मुझे डायरेक्टर बनना नहीं है या फिर वो क्या हो गया है डिस्क्वालिफाइड हो गया या फिर वो कंपोजिट मोशन 163 या 162 है कंपोजिट मोशन डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड इंडिविजुअली 162 या फिर ऐसा है कि उसका अपॉइंटमेंट अकेले नहीं हो सकता उसके अपॉइंटमेंट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा एक को और अपॉइंट करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है ठीक है या फिर उसका मोशन हमने सब्सिक्वेंट एजीएम में क्या किया था जस्ट एडजेंट एजीएम थी उसमें भी रखा था बट वहां भी मोशन क्या हुआ जीता या हार गया तो ये सारे केसेस में उसका रीअपॉइंटमेंट क्या नहीं होगा ये सारे केसेस में उसका रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक नहीं होगा कब कब ध्यान से सुनना सारे लोग 20 मार्क का है एग्जाम में तो कब कब उसका रीअपॉइंटमेंट ऑटोमेटिक नहीं होगा खुद बता दिया नहीं बनने का है डिस्क्वालिफिकेशन हो डिस्क्वालिफाइड हो गया कंपोजिट मोशन का प्रिंसिपल एप्लीकेबल है या फिर मोशन रखा था बट मोशन क्या हो गया हार गया तो ये सारे केसेस में ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी इज दैट क्लियर सो ये चीज याद रखना किसके बारे में डिस्कस किया मैंने आपके साथ 152 मैंने आपके 152 भी डिस्कस कर लिया और 160 भी डिस्कस कर लिया इज दैट क्लियर चलिए और जब भी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं या रीअपॉइंट होते हैं 30 डेज के अंदर किसको इन्फॉर्म करना है आरओसी को इन्फॉर्म करना है कौन से फॉर्म में DIR 12 में 30 डेज के अंदर वी नीड टू इन्फॉर्म होम वी नीड टू इन्फॉर्म आरओसी चलिए ना इधर देखो एक पॉइंट और देख लो सेक्शन 160 कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है मतलब
सेक्शन 160 एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप डायरेक्टली डायरेक्टर अपॉइंट कर लो, 1 लाख का कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कौन सी कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी जिसकी सारी शेयर कैपिटल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों की कॉम्बिनेशन में। गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, और कौन सी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जिसका जिक्र ऊपर किया हुआ है, मतलब जिसमें सारी कैपिटल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है उसकी। अरे एक ऐसी कंपनी जिसकी 100% कैपिटल गवर्नमेंट के पास है प्लस उसकी सब्सिडरी कंपनी, देन कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। और दूसरा सेक्शन 8 कंपनी जिन्होंने डिसाइड किया कि वो डायरेक्टर्स को कैसे अपॉइंट करेंगी, बैलेट के माध्यम से। किसके माध्यम से? बैलेट के माध्यम से। रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, सेम जो मैंने आपको पढ़ाया, 2/3 1/3 भी आप पढ़ सकते हो। फोटो खींचते हैं, तेरे नोट्स में नहीं क्या? मैं दूंगा ना नए नोट्स, क्यों टेंशन ले रहे हैं? हर चीज की, हर सुंदर चीज की फोटो नहीं खींचते बेटा, दिल में बसाना सीख लोगों को। चले चलो, बस 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 बस, तुम लोग भी मेरे से बन जाओगे ताली बजाने वाले, पैसा बहुत कमाओगे। चलिए इधर देखिए ना। अच्छा, जिस एजीएम में क्या करना था, ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। जिस एजीएम में आपको डायरेक्टर को क्या करना था? रीअपॉइंट करना था, रिटायर। जिस एजीएम में डायरेक्टर को क्या होना था? रिटायर होना था। वो एजीएम अगर नहीं हो पाई, वो एजीएम नहीं हो पाई तो एजीएम की जो लास्ट डेट थी, लास्ट डेट मतलब 15 मंथ 6 मंथ वाली जो डेट थी, उस एजीएम में क्या हो जाएगा? डायरेक्टर अपने आप क्या हो जाएगा? अरे रिटायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपने आप क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अच्छा मीटिंग अगर एडजर्न होती है तो, अगर मीटिंग क्या होती है? एडजर्न होती है, तो डायरेक्टर कहां पर रिटायर हो जाएगा? एडजर्न मीटिंग में रिटायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये 2/3 1/3 का प्रिंसिपल है, पनिशमेंट देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट अपन आ जाएंगे कहां पे? यस, नाउ प्लीज हियर, एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, ओए एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी डायरेक्टर और कैजुअल वैकेंसी, याद है आप सबको? इधर देखो, एओए ऑथराइज करते हैं, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन, होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ, इधर होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। एडिशनल डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कैसे? बोर्ड मीटिंग में। क्या पास करके? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। अगर उनको ऑथराइज किया है किसने? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, तो आप क्या करते हो? एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। एडिशनल डायरेक्टर ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं? डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम। अगर मान लो एजीएम नहीं हुई तो लास्ट डेट, जिस डेट को एजीएम होनी चाहिए, तो उस डेट को अपने आप किसका ऑफिस चला जाएगा? एडिशनल डायरेक्टर का ऑफिस चला जाएगा। एडिशनल डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ना, 15, उसमें क्या होता है? काउंट होता है। अगर कोई डायरेक्टर था जिसको एजीएम में कंपनी ने डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया, उस बंदे को आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट कौन सा डायरेक्टर है? ऑल्टरनेट। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर 3 महीने ज्यादा के लिए इंडिया के बाहर है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या करते हैं? अगर डायरेक्टर्स को क्या करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथोराइज करते हैं, तो क्या कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट ओरिजिनल का ना एजेंट है ना प्रॉक्सी है, ठीक है। ऑल्टरनेट आएगा, ऑल्टरनेट कब तक ऑफिस में रहता है? जब तक ओरिजिनल वापस नहीं आया था, ठीक है। ओरिजिनल वापस आके फिर जाता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्टरनेट जो है वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। उसके बाद ध्यान देखना, एक बंदा जो ऑलरेडी कंपनी का डायरेक्टर है, या फिर जो ऑलरेडी बंदा किसी दूसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, वो किसी तीसरे डायरेक्टर का ऑल्टरनेट डायरेक्टर, मतलब मैं अगर किसी और का ऑल्टरनेट हूं, मैं अगर ऑलरेडी किस कंपनी में क्या हूं? ऑल्टरनेट हूं, तो मैं किसी और डायरेक्टर का ऑल्टरनेट नहीं बन सकता। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? उसके बाद अब ओरिजिनल डायरेक्टर तो बेचारा विदेश में था, ठीक है, मैं ऑल्टरनेट था। जनरल मीटिंग हुई, जनरल मीटिंग में ओरिजिनल डायरेक्टर को रीअपॉइंट करने की बात की गई, मैं उस मीटिंग में प्रेजेंट था, मुझे काफी अच्छा लगा, मुझे लग गया कि मैं रीअपॉइंट हो गया। बट ये सिर्फ क्षण मात्र का सुख था,
रीअपॉइंटमेंट किसका हुआ है? ओरिजिनल वाले। यस और नो बच्चों? अरे हाँ, है ना, मेरा एक दोस्त था, वो गया बाहर बहुत दूर घूमने के लिए। उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत अच्छी थी, मेरे से उसके एब्सेंस में मेरे साथ घूमी फिरी, मैं दिल लगा बैठा, लेकिन जैसे ही मेरा दोस्त आया उसने मेरे पिछवाड़े पे लात दे दी। यस और नो बच्चों? गरीबों को दिल लगाना नहीं चाहिए। ओए राजू, हाँ राजू सो रहा है बाहर इधर। तो बच्चो प्लीज हियर, प्लीज हियर, क्यों तू चौधरी है उसके घर का भाई, तेरे को ज्यादा पता है। चलिए तेरे को बोल के गया, तू क्या मकान मालिक है उसका, बोल के जाएगा। प्लीज हियर बच्चो इधर। अरे मजाक करो बाबा इधर। तो बच्चो ध्यान दीजिए। सो ऑल्टरनेट डायरेक्टर, कौन सा डायरेक्टर? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ए भाई तू खड़ा क्यों, मेरे को लग रहा है, बैठ आराम से। चले अच्छा लग रहा है, रोज अकड़ा वापस से हो गया। अरे आराम से, मतलब टेंशन मत ले। हाँ इधर इधर ना, प्लीज हियर, प्लीज हियर इधर। तो आप क्या बन गए? ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर में काउंट हो, क्योंकि एक गया उसी के बदले एक आ गया। लेकिन ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में काउंट होती है। ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप किस में काउंट होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप में काउंट होगी। इज दैट क्लियर? नॉमिनी डायरेक्टर, गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर किसी इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है, किसके थ्रू? अग्रीमेंट के थ्रू या फिर किसी लॉ के थ्रू क्या किया है, अपॉइंट किया है, तो ये बंदा क्या कहलाता है? नॉमिनी डायरेक्टर। बच्चों अगेन इधर देखना, इधर नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या करता है? अपॉइंट करता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को झक मार के अपॉइंट करना होता है। क्यों? मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास क्या नहीं है? कोई चॉइस नहीं है। इज दैट क्लियर? क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज बाउंड टू अपॉइंट, क्योंकि सामने वाले ने क्या किया है? नॉमिनेट किया है। अच्छा एक और चीज याद रखना, ये जो मैंने आपको टू थर्ड वन थर्ड वाला बताया था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, ये सब रिटायरमेंट बाय रोटेशन में नहीं आते, ये सब टू थर्ड में आते नहीं है। मैनेजर डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ये सब आते हैं। ठीक है ना? डायरेक्टर अपॉइंटेड इन व्हाट बेटा? डायरेक्टर अपॉइंटेड इन कैजुअल वेकेंसी। सुनो ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज्ड है किसके जरिए? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के जरिए। अगर किसी डायरेक्टर की क्या हो गई, किसी डायरेक्टर ने अगर क्या कर दिया, अपॉइंट हुआ पर अपॉइंट होने के बाद अपना ऑफिस ही एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर उसको क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया, और जिसको रिमूव किया गया उसकी वैकेंसी को उस मीटिंग में फिल नहीं किया गया, तो ये सारे केसेस में जो डायरेक्टर गया है उसके बदले, जो डायरेक्टर गया है उसके बदले या उसकी जगह पे क्या एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए? यस। कौन फिल कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या कर सकते हैं? कैजुअल वैकेंसी। पहले सिर्फ पब्लिक कंपनी में ही अलाउड था, लेकिन अभी प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों में ही क्या हो गया, पावर मिल गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। नाउ कैजुअल वैकेंसी में जिस डायरेक्टर को अपॉइंट किया वो कितने साल तक ऑफिस होल्ड करता है? अनएक्सपायर्ड रेसिड्यू। अनएक्सपायर्ड रेसिड्यू मतलब जो बची हुई टर्म थी तब तक। यस और नो बच्चों? लेकिन याद रखना, जैसे ही कैजुअल वैकेंसी में डायरेक्टर होता है उसके बाद जो कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है उस फर्स्ट जनरल मीटिंग में क्या करवाना है? रेटिफाई करवाना है उसके अपॉइंटमेंट को। किसके अपॉइंटमेंट को? जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया है? अपॉइंट किया है। इज दैट क्लियर? जिसको कैजुअल वैकेंसी में अपॉइंट किया था मनोज तब मर गया वो भी, तो क्या होगा बच्चों? तो फिर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी। कैजुअल वैकेंसी सिर्फ कब क्रिएट होती है? जब ओरिजिनल डायरेक्टर क्या होता है, उसका ऑफिस क्या होता है? खाली होता है। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? चलिए सही, मैंने काफी कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, काफी अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 162 किससे डील करते हैं बच्चों? इधर ध्यान से देखिए, दिस इज व्हाट बेटा? रूल ऑफ कॉम्पोजिट मोशन। प्लीज हियर, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं क्या बच्चों?
What am I discussing with you? The rule of composite motion. Section number 162. As a general rule, एक रेजोल्यूशन से एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करना है बच्चों. एज अ जनरल रूल एक रेजोल्यूशन से क्या करना है, एक ही डायरेक्टर अपॉइंट करना है. और यही करेगी कंपनी. एक रेजोल्यूशन से दो डायरेक्टर या एक से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने. ठीक है, एक रेजोल्यूशन से, मुझे ध्यान से देखना, एक रेजोल्यूशन से एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं करने. ठीक है ना, लिसन प्लीज. एक रेजोल्यूशन से क्या नहीं करना है बच्चों, एक से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने नहीं, प्लीज. लेकिन क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? अगर कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकती है. यस, दो स्टेप है. अगर आपको क्या करना है, एक रेजोल्यूशन से दो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है, तो इसके दो स्टेप है. अच्छा, सबसे पहले जिस रेजोल्यूशन के थ्रू दो डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रमोशन आप शेयर होल्डर के सामने रखते हो, उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट मोशन. व्हाट डू वी रेफर इट एज? वी रेफर इट एज अ कॉम्पोजिट मोशन. तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सुनो ध्यान से. सबसे पहले आपको जनरल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स आए हैं, उन शेयर होल्डर्स, एक मिनट, एक रेजोल्यूशन आपको शेयर होल्डर के सामने रखना है. किस चीज के लिए रखना है? शेयर होल्डर के सामने शेयर होल्डर्स को ऑथराइज करना है. किस लिए ऑथराइज करना है? कि शेयर होल्डर क्या कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन से दो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं. ये रेजोल्यूशन आपको किसके सामने रखना है? शेयर होल्डर के सामने रखना है. और इस रेजोल्यूशन के खिलाफ एक भी वोट पड़ना नहीं चाहिए. एक मिनट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू? आपको एक प्रमोशन रखना है शेयर होल्डर के सामने, और उसमें लिखना है कि थ्रू दिस मोशन मैं सारे शेयर होल्डर्स को ऑथराइज कर रहा हूं कि वो क्या कर सकते हैं, एक रेजोल्यूशन से दो डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं. तो आप मोशन, और उसमें किसी ने भी उसके खिलाफ वोट करना नहीं है. किसी ने भी वोट नहीं किया, कहानी खत्म. मोशन क्या हो गया? अप्रूव हो गया. दूसरा, अब पहला स्टेप हो गया. अब क्या करो, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो, और एक रेजोल्यूशन के थ्रू दो डायरेक्टर क्या कर लो, अपॉइंट. अब दिक्कत क्या होती है, ये लोग अपॉइंट साथ में हुए हैं तो रीअपॉइंट भी क्या होंगे, साथ में होंगे. तो मैंने आपको पहले बताया ना, अगर उनके रीअपॉइंटमेंट पे क्या लागू होता है, कंपोजिट मोशन एप्लीकेबल होता है. क्या एप्लीकेबल होता है? दो डायरेक्टर एक साथ अपॉइंट हो रहे हैं तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा. ठीक है, नाउ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट बेटा? प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन. पीसीएफ प्रिंसिपल ऑफ व्हाट बेटा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ध्यान दीजिए, हमेशा एज अ जनरल रूल डायरेक्टर किसका अपॉइंट होता है? एज अ जनरल रूल, वेरी नाइस, एज अ जनरल रूल डायरेक्टर हमेशा किसका अपॉइंट होता है? डायरेक्टर हमेशा मेजॉरिटी वाले अपना क्या कर लेते हैं, माइनॉरिटी बिचारी के हाथ में कुछ आता नहीं. तो अगर कंपनी ने कंपनी को खुजली है तो कंपनी क्या कर सकती है, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, कहां भी बच्चों, कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन डाल सकती है. किसका? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का. और अगर तुमने क्या किया, अगर तुमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रोविजन डाला, कहां पे डाला, अपने आर्टिकल्स में तुमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अगर तुमने अपने आर्टिकल में क्या डाला, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्लॉज डाला, तो कम से कम 2/3 डायरेक्टर आपको कैसे अपॉइंट करने पड़ेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट करने पड़ेंगे. और जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो वोटिंग कैसे होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर क्यूमुलेटिव वोटिंग के थ्रू वोटिंग होती है. और ये वोटिंग ऐसी होती है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी सब साथ में वोट डालते हैं, बट डायरेक्टर किसका जीत जाता है, माइनॉरिटी वालों का डायरेक्टर जीत जाता है. इज दैट क्लियर? जिस डायरेक्टर को आपने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपॉइंट किया, वो ऑफिस कितने साल तक होल्ड करेगा? 3 years तक होल्ड करेगा. अगर इसके ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी होती है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी अपॉइंट करते हैं, वैसे क्या कर देंगे,
कैजुअल वैकेंसी के थ्रू डायरेक्टर को क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। हमेशा याद रखना, जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे, हम कितने डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, 2/3, मतलब 9 में से 6। तो बच्चे यहां पे कहना, इसे 3 साल के बाद 2/3 अपने आप चले जाएंगे, तो यहाँ पे रिटायरमेंट बाय रोटेशन खेलने की जरूरत तो नहीं है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? चलिए बच्चों, उसके बाद बच्चों ये कुछ सेक्शंस हैं, किसके ऊपर है, दिन के ऊपर है, 153, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन प्रोसीजर टू अपॉइंट क्या है बच्चों? ओए DIR, ओए प्रोसीजर है किस चीज का? डिन ऑप्टेन करने का प्रोसीजर है, यू कैन रीड इट, बहुत सिंपल है बच्चों। डिन अपॉइंट, डिन ले लेंगे, डिन अपॉइंट करने का प्रोसीजर है बच्चों, इट्स वेरी सिंपल। प्लीज हियर, DIR 3 फाइल करना पड़ता है, क्या फाइल करना पड़ता है? फिर 3A 3B के अंदर क्या है, कुछ डिक्लेरेशन है, उनके थ्रू आप फाइल करके आप क्या ऑप्टेन कर सकते हैं, डिन ऑप्टेन कर सकते हैं, देख सकते हैं नोट्स में लिखा हुआ है। Now 163 के बाद directly I'll jump to which section बच्चों? 164, one of the most important sections, ठीक है? तो बच्चों ध्यान देखिए, section number 164, काफी, अगर मैं exam के point of view से बात करूं तो काफी important section है। Please hear. Disqualification of director. Listen to me everyone. Please watch up. So 164, 165, 166 and 167. ये सारे sections के बारे में we will have a discussion. In fact, please hear. Hey, watch up. ये देखना. So नीचे लिखे हुए केसेस में, प्लीज हियर, नीचे लिखे हुए सिचुएशंस में, नीचे लिखे हुए केसेस में क्या होगा? वन पर्सन वुड बी डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। लिसन टू मी, सॉरी, एक बंदा क्या हो जाएगा नीचे लिखे हुए केसेस में, क्या हो जाएगा? So, अगर नीचे लिखे केसेस एग्जिस्ट होते हैं तो एक बंदा डिसक्वालिफाइड हो जाएगा। डिसक्वालिफाइड मतलब अब वो किसी, राकेश, डिसक्वालिफाइड का मतलब अब वो किसी भी कंपनी में क्या नहीं कर सकता, एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, ठीक है? अगर कोर्ट ने उस बंदे को डिक्लेयर कर दिया है क्या कि भाई तू राहुल है, Yes or no? अगर बच्चों कोर्ट ने क्या बोल दिया है कि तू भाई राहुल है, Yes or no? तू अनसाउंड माइंड का है, Yes or no? कहानी खत्म। उसके बाद तुम एडजस्ट, एडजस्ट मतलब कोर्ट ने बोल दिया है भाई तू विजय माल्या है, Yes or no? तू इंसॉल्वेंट है। जिस बंदे अभी इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है बट जिसने कोर्ट को बोला कि सर मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, आप सिर्फ क्या कर दो, हाँ बोल दो, इज दैट क्लियर? अच्छा, तुम जब तक इंसॉल्वेंट हो तभी तक डिस्क्वालिफाइड हो, द मोमेंट यू बिकम व्हाट बेटा, तो अबे इंसॉल्वेंट के बाद तुम सॉल्वेंट बनते हो, अगर आप जैसे क्या हो गए इंसॉल्वेंट होने के बाद वापस से क्या हो गए, सॉल्वेंट हो गए, तो आप वापस से क्या बन जाओगे, क्वालिफाइड हो जाओगे डायरेक्टर बनने के लिए। उसके बाद आप मॉरल टर्पिट्यूड के चक्कर में फंस गए हो, मॉरल टर्पिट्यूड मतलब बदमाशी, छोटे से लेके बड़े से बड़े ऑफेंस तक, ट्रेन में बिना टिकट के ट्रेवल करने से लेके कितना ही बड़ा ऑफेंस हो, सब क्या हो गया, हर एक ऑफेंस किसके अंदर आता है, मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर, यस और नो? नाउ तो अगर आप मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर फंसे हो और आपको सजा हुई है, कितने महीने की बच्चों? कम से कम 6 महीने की सजा हुई है, तो याद रखना जिस दिन आपकी सजा क्या होगी खत्म होगी, वहां से कितने महीने तक, सॉरी, वहां से 5 साल तक आप क्या नहीं रह सकते, ओए जिस दिन आपकी सजा खत्म होगी उसके 5 साल तक यू कैन नॉट बी व्हाट बेटा, यू कैन नॉट। तो मतलब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन कब शुरू हो रहा है, आपकी इम्प्रिजनमेंट खत्म होने के बाद आपका डिस्क्वालिफिकेशन चालू हो रहा है, मतलब जब आप
इस सेक्शन के हिसाब से देखो तो जब तक आप जेल में हो तब तक आप क्या हो, क्वालिफाइड हो, यू कैन बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. ऐसा लग रहा है क्या? ए ए बाबा ए अभिषेक, अभिषेक कटारे रात को 2 बजे मेरे को यूट्यूब पे कमेंट डाल रही सर कल, ठीक है. अरे अभी भी देखो इत्तेफाक, देखो अभी भी डायरेक्टली कितने बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं. नाउ प्लीज शेयर बच्चो, सो नाउ ओनली 5 आवर्स रिमेनिंग बच्चो, वी आर ओनली 5 आवर्स अवे फ्रॉम क्रिएटिंग लक्ष्य को टारगेट करने में मजा नहीं आएगा बच्चों, टारगेट से एक स्टेप आगे जाने का मजा कुछ और है. हाँ 5 घंटे इधर, मेरा 9 बजे सीएस, 6 बजे तुम लोग को पढ़ा के जाऊंगा 7 बजे, उसके बाद मेरा 9 बजे सीएस फाइनल का लेक्चर है वापस से, ठीक है ना. हाँ सीएस फाइनल का, अच्छा ओके, मैं वही बोला यार हम दोनों का लेक्चर क्लैश कैसे होगा. नहीं नहीं इधर, ए इधर देख बेटा, सजा क्या हो गई? खत्म हो गई सजा, क्या हो गई? उसके बाद कितने साल? 5 साल. तो जब तक तुम जेल में रहोगे तब तक तुम क्वालिफाइड हो गए या डिसक्वालिफाइड हो गए? क्वालिफाइड रहोगे. लेकिन 167 के अंदर बोला है कि जब तुम जेल में रहोगे तो तुमको ऑफिस क्या करना पड़ेगा? वेकेट करना पड़ेगा. अच्छा तुमको बीच में बेल वगैरह मिल जाती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अच्छा चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अगर तुमको एनसीएलटी ने क्या कर दिया है, 5 साल 6 साल 10 साल के एनसीएलटी ने क्या किया है, डिस्क्वालिफाई कर दिया है. किसने? एनसीएलटी ने अगर तुमको क्या कर दिया है, डिस्क्वालिफाई कर दिया है. और एनसीएलटी का ऑर्डर अभी भी क्या है, फोर्स में है. उसके बाद जिस कंपनी के आप क्या हो, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो, ध्यान से देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हो उसी का शेयर एप्लीकेशन मनी नहीं दिया या शेयर का पैसा नहीं दिया, और डिफॉल्ट कितने महीने तक का है, 6 महीने से ज्यादा का है, तो तुम क्या नहीं बन सकते, तुम डिस्क्वालिफाइड हो गए डायरेक्टर बनने के लिए. अच्छा कितने साल के लिए? जब तक वो डिफॉल्ट पेंडिंग है. तुम जिस कंपनी के डायरेक्टर हो उस कंपनी के तुमने शेयर लिए और उस कंपनी के शेयर के ऊपर जो कॉल मनी था वो पे नहीं किया और डिफॉल्ट कितने महीने ज्यादा का है, तो जब तक डिफॉल्ट पेंडिंग है तुम डायरेक्टर किसी भी कंपनी के बन नहीं सकते. अगर आपके पास नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, डेन. उसके बाद अगर आपने प्लीज ओए ये नया ग्राउंड आया है, जिसके पास नहीं, जिसके नोट्स में नहीं है प्लीज देख लीजिएगा, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के हिसाब से. अगर आप क्या बन गए बच्चों, प्लीज ईयर, अगर आपने सेक्शन 165 के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं किया है. व्हाट इज 165? मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर, याद है क्या आपको, और मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर. तो अगर आपने वो लिमिट ब्रीच की है, क्या की है वो लिमिट, तो भी आप क्या हो गए, जब तक वो लिमिट आप ब्रीच करके रखते हैं आप किसी भी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है. उसके बाद अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऑफेंस करते हैं, कौन से ऑफेंस बच्चों, सेक्शन 188 को अगर आप क्या नहीं करते, कंप्लाई नहीं करते, तो भी आप अटक जाएंगे बच्चों, कितने साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए. इज दैट क्लियर? सेक्शन 4519 कौन से पॉइंट नंबर में, सेक्शन 4519 ये 3 पॉइंट के अंदर अगर आपने कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट, एनसीएलटी के डिसीजन के अगेंस्ट क्या किया है, अपील किया है, तो भी आपके डिस्क्वालिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. और मॉरल टर्पिट के केस में तो वैसे भी नहीं पड़ता, क्योंकि मॉरल टर्पिट में तो डिस्क्वालिफिकेशन कब शुरू होने, सजा खत्म होने के बाद 5 साल के लिए, ठीक है. अब बच्चों वो सब तो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या बच्चों, 164 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है ये सेक्शन, अगर आप डायरेक्टर हो या डायरेक्टर थे, प्लीज हियर, सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, अगर आप डायरेक्टर हो या फिर आप क्या थे, डायरेक्टर थे किसी कंपनी के, कौन सी डेट को, कौन सी कंपनी के, जिस कंपनी ने लगातार 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न
लगातार तीन साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न, दोनों में से कोई भी एक, मतलब एक साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में डिफॉल्ट किया, एक साल एनुअल रिपोर्ट एनुअल रिटर्न फाइल करने में डिफॉल्ट किया, एक साल वापस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तीनों में से, दोनों में से कोई भी एक फाइल करने में डिफॉल्ट किया, या फिर तुम ऐसी कंपनी के डायरेक्टर थे जिसने क्या नहीं किया बच्चों, तुम ऐसी कंपनी के डायरेक्टर थे जिसने डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स या फिर इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, ये सब रीपे करने में क्या किया है, डिफॉल्ट किया, और वो डिफॉल्ट का पीरियड कितने साल तक चलता है, लगातार लगातार एक साल तक चलता है। तो तुम अगर ऐसी कंपनी में डायरेक्टर आज भी हो और डिफॉल्ट की डेट को भी थे, आज भी हो अगर डिफॉल्ट की डेट को भी थे, या फिर आज नहीं हो पर डिफॉल्ट की डेट को, आज नहीं हो बट कब थे, डिफॉल्ट की डेट को आप क्या थे, डायरेक्टर थे, कौन सी कंपनी के, जिसने ये वाला डिफॉल्ट किया लगातार तीन साल तक, या फिर जिसने ये वाला डिफॉल्ट किया लगातार एक साल तक, तो तुम क्या हो गए बच्चों, डिस्क्वालिफाइड हो गए। किस चीज के लिए, किस चीज के लिए डिस्क्वालिफाइड हो गए, अब तुम उस तारीख से अब किसी भी नई कंपनी के डायरेक्टर नहीं बन सकते, और जितनी कंपनीज में डायरेक्टर थे वहां पे सब में तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, सिर्फ तुम जिन जिस डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर थे, जिस डिफॉल्टिंग कंपनी में, वहां पे आप अपना प्रेजेंट टर्म कंप्लीट कर सकते हो, डिस्क्वालिफाई सिर्फ किसके लिए हो गए, यू कैन जस्ट फिनिश, व्हाट यू कैन फिनिश, यू कैन फिनिश योर प्रेजेंट टर्म एंड यू विल बी डिस्क्वालिफाइड ओनली फॉर व्हाट बेटा, रीअपॉइंट, इज दैट क्लियर, क्योंकि बच्चों जिस कंपनी में आप डायरेक्टर थे डिफॉल्टिंग कंपनी में, यू कैन प्रेजेंट योर, यू कैन कंप्लीट योर प्रेजेंट टर्म, क्यों, क्योंकि अगर सबको एक साथ डिस्क्वालीफाई करके निकाल दिया तो फिर कंपनी में कोई डायरेक्टर बचने वाला नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, ओए आप क्या करो, अरे आप क्या करो, आप क्या हो जाओगे, ये दोनों कंपनीज डिफॉल्टिंग कंपनी में आप डायरेक्टर हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, जितनी कंपनीज में डायरेक्टर वहां से अपना, आपको अपना ऑफिस क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा, उसके बाद किसी नई कंपनी में अपॉइंट हो, कितने साल के लिए, पांच साल के लिए, प्लस प्लस प्लस, लेकिन जिस कंपनी में तुम डायरेक्टर हो वहां पर, जिस डिफॉल्टिंग कंपनी में डायरेक्टर हो वहां पर तुम कंटिन्यू कर सकते हो, कितने साल के लिए, सॉरी कब तक के लिए, जब तक आपका प्रेजेंट टर्म कंप्लीट नहीं हो जाता, इज दैट क्लियर, अरे श्योर, चलिए उसके बाद ध्यान से क्यों, लिसन, उसके बाद अब तुम तो डिफॉल्टिंग कंपनी बन गए, तुम तो क्या बन गए, अब बच्चों डिफॉल्टिंग कंपनी में तीन चार नए डायरेक्टर्स आए, डिफॉल्टिंग कंपनी में क्या है, तीन चार नए डायरेक्टर आए, तो जो भी नए डायरेक्टर आ रहे हैं, ओए जो भी क्या आ रहे हैं, नए डायरेक्टर आ रहे हैं, ये लोग कितने साल तक, ये लोग नए डायरेक्टर जो आएंगे वो कब तक डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, वेरी नाइस, कब तक नहीं होंगे, छह महीने तक ये डिस्क्वालीफाइड नहीं होंगे, मतलब इनके पास एक ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, दे हैव एन ऑप्शन कि जब वो डायरेक्टर बनते हैं उस डिफॉल्टिंग कंपनी में तो जो पेंडिंग डिफॉल्ट है उनको क्या करने हैं, वो सारे रेक्टिफाई कर दें तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने छह महीने तक रेक्टिफाई नहीं किया तो भी वो क्या हो जाएंगे, तो भी वो सेम डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है, नाउ तो ये है बच्चों डिस्क्वालीफाइड, ये बेसिकली क्या है, 164 सबसेक्शन 2, नाउ प्लीज हियर, प्राइवेट कंपनी अगर चाहे तो ऊपर लिखे डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ एक्स्ट्रा डिस्क्वालिफिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट पब्लिक कंपनी में इतने ही डिस्क्वालिफिकेशन होंगे। उसके बाद जब पांच साल का पीरियड खत्म हो जाता है, पांच साल का पीरियड क्या हो जाता है, तो डायरेक्टर्स को क्या करना होता है, पांच साल का पीरियड खत्म होने के बाद डायरेक्टर्स को क्या करना होता है, डायरेक्टर्स को अप्लाई करना होता है आरओसी को, किस चीज के लिए, फॉर रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कितने का है, पांच साल का ही है। उसके बाद प्लीज हियर, जो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाई हुए ना उनको सारी कंपनीज को बताना है, क्या बताना है, कि अब हम क्या हो गए, डिस्क्वालिफाई हो गए, अब हम किसी काम के नहीं रहे, नंबर वन।
नंबर टू, जिस कंपनी में कांड हुआ है उस कंपनी को बताना है कि ये कमीने लोग हमारे यहाँ पे क्या थे, डायरेक्टर थे किस दिन, कांड वाले दिन. इज दैट क्लियर? सबके लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं, आप देख सकते हैं. नेक्स्ट वी वुड कम टू, आइए चलते हैं सेक्शन 165 की तरफ. 165 डील करता है किसके, ना प्लीज ये प्लीज ये बच्चों इधर देखेंगे. सेक्शन नंबर 165 किससे डील करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप. नाउ लिसन शिप, चलिए. सो एक बंदा एक समय पे, एक बंदा एक समय पे अधिकतम बीस कंपनीज का क्या रह सकता है, डायरेक्टर. एक बंदा एक टाइम पे मैक्सिमम कितनी कंपनीज का डायरेक्टर रह सकता है, 20. इस 20 में मैक्सिमम 10 क्या होंगे, इस 20 कंपनीज में से मैक्सिमम 10 क्या हो सकती है, पब्लिक. और जब आप पब्लिक की लिमिट काउंट करो तो ऐसी प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक की क्या है, सब्सिडरी है, ऐसी प्राइवेट कंपनी जो होल्डिंग है किसकी, पब्लिक की, तो इस प्राइवेट कंपनी को भी आप क्या मानोगे, पब्लिक मानोगे. इज दैट क्लियर? और अब तो सीधी बात है, जो इस सेक्शन को कॉन्ट्रावीन करता है, 11वीं पब्लिक कंपनी या फिर 21वीं ओवरऑल कंपनी में जो डायरेक्टर बनता है, वो डायरेक्टर बनने के लिए क्या हो जाएगा, डिसक्वालिफाइड. उसके बाद पनिशमेंट वगैरह भी हमने क्या की है, प्रिस्क्राइब की है, ठीक है ना. अच्छा एक चीज याद रखना, आपकी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप, कौन सी डायरेक्टरशिप, आपकी ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप किस में काउंट होगी, 10 और 20 की लिमिट में क्या होगी, काउंट होगी. प्लीज हियर, अभी ये एलओडीआर ने बताया क्या, एलओडीआर क्या बोलता है, एक बंदा मैक्सिमम कितनी, 8 लिस्टेड कंपनीज में क्या रह सकता है, डायरेक्टर रह सकता है. प्लीज हियर बच्चों, और 7 कितनी, एक बंदा एक साथ मैक्सिमम 7 कंपनीज में क्या रह सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है. अच्छा एक बंदा जो किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर या बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर काम कर रहा है, वो मैक्सिमम 3 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकता है. अगर तुम किसी भी एक लिस्टेड कंपनी में, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप किसी एक लिस्टेड कंपनी में कैसे काम कर रहे हैं, एज अ होल टाइम डायरेक्टर, देन मैक्सिमम 3 लिस्टेड कंपनी में आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रह सकते हैं. अगर आप किसी भी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर नहीं है तो मैक्सिमम 8 लिस्टेड कंपनीज में आप क्या रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कौन से डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. उसके बाद ठीक है, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या है बच्चों, गुड फेथ में काम करना, आर्टिकल्स के हिसाब से काम करना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना, अवॉइड करना, कंपनी के कॉस्ट पे कोई अपने लिए पर्सनल गेन क्रिएट, ये क्या है बच्चों, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर है. चलिए नाउ विल मूव टू विद सेक्शन 167, which is again an important section. I believe section 164 सबको क्लियर था, ठीक है. 164 इंस्टीट्यूट पूछती है 164 से. So now I'll start with section बच्चों. जो मैं अगला section, please. जो मैं अगला सेक्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा, दैट इज सेक्शन नंबर 167. नाउ प्लीज हियर. अब बच्चों एक मिनट, डिस्क्वालिफिकेशन में क्या होता था, लिसन, डिस्क्वालिफिकेशन में तुम सारी कंपनी से डायरेक्टर बनने के लिए क्या हो जाते थे, डिस्क्वालिफाई हो जाते. जब केस क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन का था, यू वर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन ऑल कंपनीज.
वेकेशन में जरूरी नहीं है, ओए ओए ओए, वेकेशन में जरूरी नहीं है कि तुम क्या हो जाओ, एक कंपनी से विलुषा अगर एकदम देखो एकदम नींद में है। चलिए इधर देखिए, इधर देखिए ना, आज मैं आप में से कई बच्चों को देख रहा हूं तो मुझे अपनी बेटी की याद आ रही है निर्विका की। रीजन ये है, नहीं मैं तुम्हारी क्यूटनेस की बात नहीं कर रहा हूं प्लीज रीजन ये है कि जब वो मेरी बेटी सोती है और जैसे अब पापा का दिल है ना बच्चों बहुत बड़ा होता है तो उसको प्यार करने का मन करता है जब वो सोती, तो उसको उठाता हूं मैं जबरदस्ती है तो उसको उठाता हूं तो वो बेचारी इतनी अच्छी है ना वो ऐसे उठती भी है और उठ के ना बैठ जाएगी ऐसे और फिर ऐसे हिलती रहेगी पूरी एकदम नशे में हिलती रहेगी। मैंने बेटा क्या कर रही है, पापा सो रहे हैं। मैंने बेटा घूमने चलना है, नींद में हाँ पापा गोदी ले लो, ऐसे बोलते गोदी ले लो भैया को। अच्छा वो अपने आप को भैया बोलती है तो बोलते गोदी ले लो भैया को और बच्चों ऐसी झूमती रहेगी उनसे कुछ पता नहीं है, सब नींद है। तो आज बहुत सारे लोग हैं जो यहां से कैसे देख रहे हैं निर्विका जैसे ही देख रहे हैं। एनीवे बच्चों ना प्लीज हियर ना, राकेश कहाँ है राकेश, राकेश हाउ इज द जोश, पता नहीं हाई है कि फ्लाई है ना, ना प्लीज हियर। तो वेकेशन में क्या होगा, जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, ओए वेकेशन ऑफ ऑफिस बाय अ डायरेक्टर में जरूरी नहीं है कि तुम एक कंपनी से डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट करो, एक कंपनी से डायरेक्टर का ऑफिस वेकेट करो तो जरूरी नहीं है कि तुमको हर एक कंपनी से डायरेक्टर का ऑफिस क्या करना पड़े, वेकेट करना पड़े। इज दैट क्लियर। लेकिन जब तुम डिस्क्वालीफाई हो गए, ओ भैया लाल, जब तुम क्या हो गए किसी कंपनी में डायरेक्टर के तरह काम करने के, डायरेक्टर के बतौर काम करने के लिए तुम डिस्क्वालीफाई हो गए तो तुमको सारी कंपनीज में जहां जहां पे डायरेक्टर हो वहां पे ऑफिस क्या करना पड़ेगा, विकेट करना पड़ेगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है क्या, वेरी नाइस 164 सबसेक्शन 2 जहां पे डिफॉल्ट हुआ है वहां पे तुम डायरेक्टर रह सकते हो, अपना प्रेजेंट टर्म खत्म कर सकते हो, याद है क्या। चलिए सब ध्यान देखिए, नीचे लिखे हुए केसेस में, नीचे लिखे हुए केसेस में एक डायरेक्टर को अपना कौन सा ऑफिस, एक डायरेक्टर को अपना डायरेक्टर का ऑफिस क्या करना होगा, वैकेट करना होगा। कब कब, पहला 164 सबसेक्शन 1 मॉडल टॉपिट्यूड एनसीएलटी का ऑर्डर, देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, देन इंसॉल्वेंट वगैरह हो गए। तो जिस दिन तुम ये सब होते हैं जितनी कंपनीज में तुम उस दिन डायरेक्टर थे वो सब कंपनीज में तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये पढ़ाया बने, सारी कंपनी में वेकेशन हो जाएगा किसको छोड़ के 164 सबसेक्शन 2 में, जिस कंपनी में डिफॉल्ट हुआ था। उसके बाद बेचारा रिटायरिंग डायरेक्टर, उसको अगर क्या नहीं किया, पूरी अपॉइंट नहीं किया तो उसका ऑफिस अपने आप क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा बच्चों। अगर 12 महीने तक बच्चों, 12 महीने तक अगर उसने कंपनी की एक भी बोर्ड मीटिंग लगातार 12 महीने तक अटेंड नहीं की, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की परमिशन के साथ या उनके बिना। उसके बाद अगर एनसीएलटी ने आपको पास किया ऑर्डर, ओए अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया किस चीज का, अगर एनसीएलटी ने ऑर्डर पास किया किस चीज का, अच्छा एनसीएलटी ने आपको विकेट करवाने का क्या पास किया है, ऑर्डर पास किया है कि भाई जा भाड़ में जा, सॉरी एनसीएलटी ने आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो क्या नहीं, डिस्क्वालीफाई किया तो आपका ऑफिस भी क्या हो जाएगा, जितनी कंपनीज में आप डायरेक्टर थे वहां पे आपका ऑफिस भी क्या हो जाएगा, विकेट हो जाएगा। गलती कर दी तुमने 184 के अंदर, 184 क्या है, मेरा बाप पापा नंबर एक, एमबीपी वन के अंदर अपना डिस्क्लोजर दिया नहीं, याद है क्या आपको, तो भी तुम्हारा ऑफिस क्या हो जाएगा बच्चों, वैकेट हो जाएगा इफ यू फेल टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट। टेंशन अंतर, उसके बाद तुमको डायरेक्टर के ऑफिस पे बिठाया था क्यों, क्योंकि तुम किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर थे, कोई दूसरा पोजीशन होल्ड कर रहे थे,
मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय था, इसलिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बना था, नॉमिनी डायरेक्टर। अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉय के पद से इस्तीफा दे दूं, क्या ना इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा नॉमिनी डायरेक्टर का ऑफिस भी क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अगर बात बच्चों ध्यान देखिए, मैं फिर से बताता हूँ ध्यान देखिए, अगर मान लीजिए आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर का ऑफिस क्यों मिला था, क्योंकि आप किसी दूसरी कंपनी में डायरेक्टर थे या कुछ तो थे, तो एक मिनट। सो अगर मैं होल्डिंग कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी था, इसके कारण होल्डिंग कंपनी ने मुझे सब्सिडियरी कंपनी का डायरेक्टर बनाया, क्योंकि मैं होल्डिंग का क्या था, सीएस था, और इसके कारण सब्सिडियरी कंपनी ने मुझे क्या बनाया, मुझे होल्डिंग कंपनी ने नॉमिनेट किया सब्सिडियरी कंपनी में एज ए डायरेक्टर। तो अरे तो मेरा जैसे ही होल्डिंग कंपनी में सीएस का जॉब जाएगा, वैसे ही मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सब्सिडियरी कंपनी में मेरा डायरेक्टर का ऑफिस चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर डायरेक्टर फंस गया है किसमें बच्चों, ओए डायरेक्टर मॉरल टर्पिट्यूड के चक्कर में फंस गया है, और उसको कम से कम कितने महीने की सजा हुई है, 6 महीने की सजा हुई है, तो भी क्या हो जाएगा, विकेट करना पड़ेगा। हालांकि 164 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ था, याद है क्या आपको, तो वो देखिए 164 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन कब शुरू होता है, इम्प्रिजनमेंट खत्म होने के बाद 5 साल, लेकिन जब तक वो जेल में रहेगा तब तक वो जितनी भी कंपनी में डायरेक्टर था वहां से उसको क्या करना पड़ेगा, ऑफिस खाली करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? नाउ लिसन टू मी, अब इसके ध्यान देखिए, प्रोविजन डी एंड जी, प्रोविजन डी एंड जी, डी में क्या है, जी में क्या है, मॉरल टर्पिट वाला का कांड है, और डी में क्या है, एनसीएलटी ने डिस्क्वालीफाई किया शायद, वही है क्या। इधर देखो डी एंड जी में, अबे ये क्या बात कर, बहुत एनर्जी है, अबे टाइम के जब वक्त आएगा तब दिखाना अपनी एनर्जी। इधर जब तू भी मेरे साथ टीचर बन के मैराथन लेगा तब दिखाना अपनी एनर्जी, अभी क्या करेगा एनर्जी दिखा के। इधर ना सबके पास एनर्जी है बच्चों, कोई कम नहीं है। इधर तो बच्चे ध्यान से देखिए, प्लीज हियर जो ना, लिसन टू मी, लिसन, प्लीज हियर जो, इधर इधर इधर। आज रुचिता बड़ी खुश है, मैं सुबह से देख रहा हूँ एकदम खुश है, आज लग रहा होगा ना कि पैसा एक्चुअली वसूल हुआ आईकेन में, फीस का वर्थ आज ही मिला है, इतने टाइम कि अभी भी कुछ बाकी है भाई, तो फिर एक काम कर, किडनी लेके जा मेरा, और क्या करूं तेरे लिए। ना प्लीज यार बच्चो, नहीं नहीं एक किडनी में जी सकता हूं मैं, अरे माफ करना भगवान, मजाक करो तो भगवान फिर गुस्सा आ जाएगा, तो एक नहीं बच्चो, बच्चो प्लीज यार, लेट्स चेंज द टॉपिक, भगवान करे आप सबकी किडनी 200 साल तक जिए, तुम जियो ना जियो किडनी अमर रहे बच्चों तुम्हारी, प्लीज यार बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों अपनी बॉडी का, रादर सबसे इंपॉर्टेंट, प्लीज यार, नाउ प्लीज यार भाई ध्यान देखिए। तो डी एन जी के अंदर, डी के अंदर कौन डिस्क्वालीफाई करता है, एनसीएलटी, जब एनसीएलटी डिस्क्वालीफाई करता है तो उनको ऑफिस खाली होना करना पड़ता है, और मॉरल टर्पिट्यूड के अंदर 6 महीने की जैसे तुमको क्या हुई सजा ही, ऑफिस खाली करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान देखो कोर्ट का जब ऑर्डर आता है 30 दिन तक, कोर्ट का ऑर्डर आने के 30 दिन तक ऑर्डर इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब मेरे को टाइम मिलेगा कितने दिन का, ऑफिस वेकेट करने का मुझे 30 दिन का टाइम मिलेगा, शॉल फूल माला हार नारियल ये सब देके टोपी लगा के मुझे विदा किया जाएगा ना, मतलब कितने दिन का टाइम मिलेगा, 30 दिन का, लेकिन उस 30 दिन में अगर मैं क्या कर देता हूँ, अपील कर देता हूँ, तो जब तक मेरी अपील पेंडिंग है, और अपील डिस्पोज जब तक ना हो जाए वहां तक, और अपील डिस्पोज होने के कितने दिन तक, 7 दिन तक आई विल कंटिन्यू, लेकिन अगर मान लो मैं उस डिसीजन के अगेंस्ट क्या करता हूँ, सेकंड अपील करता हूँ, क्या करता हूँ, तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, एज अ डायरेक्टर कंटिन्यू कर सकता हूँ, जब तक क्या ना हो जाए, सेकंड अपील डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, और सेकंड अपील डिस्पोज ऑफ होने के कितने दिन तक, 7 दिन तक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ। लेकिन समझना ये दो प्रोविजन अलग है, यहाँ पे वेकेशन में आपको रिलीफ मिल जाएगा तो आपके लिए अच्छा है, क्यों, क्योंकि आपको इमीडिएटली वेकेशन नहीं करना पड़ेगा, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन वाले जो प्रोविजन ऊपर थे वहां पे ऐसा कोई फायदा अपील का नहीं होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट देखना बच्चों, तुमको पता चल गया है कि अब तुम किसी काम के नहीं हो, तुम क्या, तुम्हारा ऑफिस क्या हो चुका है, वेकेट कर रहे हो चुका है, बट फिर भी दिल है
कि मानता नहीं। तो क्या होगा बच्चों, इधर 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 कोई दिक्कत नहीं है, आप विकेट हो गए, आप अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए कंपनी में रह सकते हो, बट आपके द्वारा किया गया काम, कोई भी काम कंपनी के ऊपर किसी भी टाइप का लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस वेकेट हो गया, कुछ तो ऐसा कांड हो गया बच्चों, यस और नो बच्चों, कुछ तो ऐसा कांड हो गया कि कंपनी के सारे डायरेक्टर्स का ऑफिस क्या हो गया, एक साथ वेकेट हो गया। 12 मई सारे डायरेक्टर 6 दिन के लिए बैंकॉक घूमने गए थे, कंपनी का कल्चरल टूर था बच्चों। नाउ अब गए बच्चों, 6 दिन का टूर था बच्चों, 2 साल हो गया, वापस ही नहीं आए बच्चों। तो बच्चों सारे डायरेक्टर ने क्या किया, 1 साल तक कंपनी की जितनी बोर्ड मीटिंग हुई, एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की, तो सबका ऑफिस क्या हो गया, खाली हो गया। तो कंपनी हो गई बच्चों किसके बिना, कंपनी अनाथ हो गई बच्चों। सारे जो नाथ हैं कंपनी के वो कहां बैठे हुए हैं बच्चों, यस बच्चों वो किसी स्थान पे बैठे हुए हैं बच्चों। नाउ लिसन टू मी, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को अनाथ रहने नहीं देगी, क्या करेगी, डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी जब तक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर नए डायरेक्टर्स की नियुक्ति ना कर दे। इज दैट क्लियर? क्या डायरेक्टर रिजाइन कर सकता है, जब आए मन कर दो रेजिग्नेशन, बिंदास कर दो। दिक्कत यह है कि रेजिग्नेशन दे दोगे बट रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, 25 तारीख को तुमने कंपनी में बहुत बड़ा कांड कर दिया, यस और नो? 26 तारीख को तुमने रेजिग्नेशन लेटर बनाया और उसमें डेट ऑफ रेजिग्नेशन लिखी 24 तारीख, ठीक है, डेट कौन सी लिखी, कांड तुमने कब किया था कंपनी में, 25 को तुमने कंपनी में एक बहुत बड़ा घपला कर दिया, ठीक है। उसके बाद तुमको पता चल गया कि तुम फंस जाओगे, तो तुमने क्या किया, रेजिग्नेशन बनाया। सिजल कब से इफेक्टिव होता है रेजिग्नेशन, एग्जाम है 2 महीने के अंदर, तो ध्यान से देखो, कम से कम मैं बता रहा हूं, मेरे को तो सुन ले मेरी माता जी, पीसीआर बच्चों। सो ध्यान से, तो तुमने क्या किया बच्चों, कांड कब कर दिया, 26 को कांड, 25 को कांड किया, 26 को तुमको समझ में आया कि तुम फंस जाओगे, तो तुमने एक रेजिग्नेशन लेटर बनाया और उसमें डेट क्या लिख दी, 24 तारीख को, ताकि जब तुमको पुलिस पुलिस वाले पकड़ने आए तो तुम क्या बोल दोगे, मैं तो रिजाइन कर दिया था। तो पहले ऐसा होता था, क्योंकि पहले रेजिग्नेशन को लेकर क्लियर प्रोविजंस नहीं थे, अभी क्लियरली लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन इफेक्टिव कब से होगा, जो डेट कहां पे लिखी है, रेजिग्नेशन लेटर में लिखी है, या फिर जिस डेट को वो कंपनी को रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, विच एवर इज लेटर, इज दैट क्लियर? और कंपनी को जैसे ही रेजिग्नेशन लेटर मिलता है, कंपनी को 30 दिन के अंदर किसको इन्फॉर्म करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना है, ठीक है। अगर डायरेक्टर चाहे तो वो अपना रेजिग्नेशन भी क्या कर सकता है, आरओसी को दे सकता है, पहले मैंडेटरी था, अभी क्या है, ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकता है। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी क्या कर सकता है, कभी भी क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, इज दैट क्लियर? अगर सारे डायरेक्टर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी में जब फ्रॉड वगैरह हो, तो सारे डायरेक्टर, जैसे आईएलएफएस में फ्रॉड हुआ था, तो एक दिन में सारे डायरेक्टर्स ने रिजाइन कर दिया था, तो कंपनी का प्रमोटर क्या करता है, नए डायरेक्टर अपॉइंट करता है। अगर प्रमोटर नहीं है तो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। कब तक ऑफिस होल्ड करेंगे, जब तक जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स नए डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट ना कर दे। Is that clear to everyone of you? Section 169. What is 169? Removal of a director. बहुत प्यारा section है, ध्यान से देखना। Now, so जो मेरा अगला discussion आपके साथ है, that is on what beta? Please hear. So, section number 169. ध्यान से कीजिए. Section number 169 किसे डील करता है बच्चों? मयूर क्या हो गया, आंख आई है क्या, पूरी आंख रेड हो गई एकदम, है ना? ओके, चले चले जाओ, मयूर एकदम सिंसियरली सुन रहे, वेरी नाइस, सोया हुआ नहीं है भाई, चले तू अपना देख, प्लीज ये बच्चों, एक मिनट, आप क्या कर सकते बच्चों, क्या किसी डायरेक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है, किसी डायरेक्टर को क्या करना है, रिमूव करना है। अच्छा, रिमूवल का मतलब क्या होता है, उसका
टर्म एक्सपायर होने के पहले उसको क्या करना, उसको भगा देना ही। ये कौन कुत्ते बिल्ली की आवाज निकाल रहे है? क्या है भाई नींद में, क्या तुम अपना प्रजाति बदल लेते हो क्या इधर? तो ध्यान से देखिए। नाउ प्लीज हियर, ध्यान से देखिए, इधर 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 ये वाला प्रोविजन सुन लो बेटा, अच्छा है, उसके बाद टाइम पास कर लेना। इधर टर्म एक्सपायर होने के पहले किसी डायरेक्टर को क्या कर देना, उसके ऑफिस से हटा देना, कहलाता है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। आपकी मीटिंग होने वाली है जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग के 14 डेज पहले शेयर होल्डर्स क्या देते हैं, स्पेशल नोटिस सेक्शन नंबर 115, जिसके पास 1% शेयर है या फिर जिसके पास फेस वैल्यू के ऊपर 5,00,000 के शेयर है, वो नोटिस देता है यस और नो। जैसे ही वो नोटिस आया किसको देना है, वो नोटिस की कॉपी। अबे वो नोटिस की कॉपी किसको देनी है, उस कंसर्न डायरेक्टर को। कंसर्न डायरेक्टर क्या देता है, अपने रिप्रेजेंटेशन देता है। रिप्रेजेंटेशन टाइम पे भी आ सकता है या फिर बहुत लेट भी आ सकता है। टाइम पे आता है तो उसके रिप्रेजेंटेशन को और स्पेशल नोटिस को दोनों को किसके पास भेज देंगे, शेयर होल्डर के पास भेज देंगे। और अगर लेट आता है तो कोई दिक्कत नहीं, रिप्रेजेंटेशन को संभाल के रखना कहां पे पढ़ेंगे, जनरल मीटिंग में पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे, अगर मान लो वो टाइम पे देता है तो नोटिस में लिखते हैं कि उसने रिप्रेजेंटेशन दिया है और उसका रिप्रेजेंटेशन अटैच कर देते हैं। उसके बाद क्या होगी, अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो मीटिंग में क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन पढ़ा जाएगा, जनरल मीटिंग होगी, रिप्रेजेंटेशन कंसीडर किया जाएगा। अच्छा एक चीज याद रखना, रिप्रेजेंटेशन उसका मीटिंग में पढ़ो या ना पढ़ो, कुछ भी हो या फिर भेजा हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। और उसके बाद शेयर होल्डर्स तो है, जनरल मीटिंग में अगर क्या पास हो गया, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन हो गया, तो फिर डायरेक्टर को बोलना ही पड़ेगा अच्छा चलता हूं यस और नो बच्चों। और अगर दुआ दुआ में याद नहीं रखना तो भाड़ में जाना, मेरे को दिक्कत नहीं है क्योंकि भले ही मैं रिमूव हुआ हूं बट मेरे को कंपनसेशन रिसीव करने का राइट है। इज दैट क्लियर? तो बच्चों एक और चीज याद रखना, अब ऐसे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, जिसके पास 1% शेयर है, मैं बोल दूं कि मुकेश अंबानी को रिमूव करना है मेरे को रिलायंस इंडस्ट्री से, अगर मेरे पास 1% शेयर है तो यस और नो? तो बच्चों नहीं, अगर मान लो कोई बंदा इस सेक्शन के अंदर दिए गए राइट्स को अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, अब्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है कोई, तो हम एनसीएलटी से एग्जम्पशन ले सकते हैं। एनसीएलटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एनसीएलटी होगा शायद, एनसीएलटी ना, आप एनसीएलटी से एग्जम्पशन ले सकते हैं कि किसी मेंबर ने हमको क्या दिया है, डायरेक्टर को रिमूव करने का नोटिस दिया है बट हम उसको शेयर होल्डर के घर पे भेजने वाले। और अगर किसी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सेकंड टर्म में अपॉइंट किया था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, तो उसको रिमूव करने के लिए भी क्या चाहिए, स्पेशल रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर? नॉर्मल केस में क्या चाहिए, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? चलिए बच्चों ध्यान देखिए, नाउ सेक्शन 170 अपन ने पढ़ा हुआ है। नाउ प्लीज हियर, नाउ कम टू 173 में आना डायरेक्टली। मीटिंग्स ऑफ व्हाट बेटा, कम टू सेक्शन नंबर 173, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। ठंडी लग रही है, रुक जाएगी। बहुत ज्यादा लग रहे हैं, हिमानी 25-26 कर देना तो ठीक हो जाएगा। क्या करेगा मोबाइल का, रहने देना इधर ही। चलिए बच्चों ना प्लीज, अरे क्या हो गया, चलो चलो इधर देखो, इधर इधर चलो इधर देखो ना प्लीज हियर बच्चों। अरे बेटा इधर देखो प्लीज, सबसे पहले बीसी बोर्ड कल्चर, इसका मतलब क्या होता है प्लीज हियर बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोर्ड कल्चर? बोर्ड कल्चर का मतलब
क्या होता है? इधर इधर काम वेरी नाइस, काम सही से होता है तो बोर्ड कल्चर वगैरह, उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेम कर दूंगा। बोर्ड मीटिंग का नोटिस वगैरह आपने बराबर दिया है, हर एक डायरेक्टर मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है, डिस्कशंस में क्या करता है पार्टिसिपेट करता है, वोटिंग मीटिंग में बराबर से होती है, मिनट्स प्रॉपरली बनते हैं, बोर्ड मीटिंग की सारी प्रक्रिया बराबर से होती है, तो मैं बोलता हूं कंपनी में बोर्ड कल्चर क्या है, बहुत बढ़िया है। यस और नो बच्चों, बहुत बढ़िया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग, बच्चों एक चीज याद रखना, सुनिए सुनिए ध्यान से, साल में 4 बार, इनकॉर्पोरेशन के कॉकरोच ना भाई, ये इनकॉर्पोरेशन के, ओए सुनो बेटा, ए बेटा, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, साल में कितनी बार, साल में 4 बार, लगातार 2 बार में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं, और सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोलता है क्वार्टर में 1 बार, कैलेंडर क्वार्टर में, कैलेंडर क्वार्टर में 1 बार, इतनी बार क्या करना है, बोर्ड मीटिंग। क्या करना है बच्चों? बोर्ड मीटिंग, यस और नो बच्चों। और अगर ओपीसी हो, क्या हो, ओपीसी हो, छोटी कंपनी हो, स्मॉल कंपनी हो, तो प्लीज याद रखना, संयम रखना है, और कैलेंडर ईच हाफ ऑफ कैलेंडर में क्या करना है, एक ही बार करना है, और लगातार 2 बार अगर बोर्ड मीटिंग करते हो तो ध्यान रखना कि 90 डेज का गैप रखो, कम से कम कितने का गैप, 90 डेज का। इज दैट क्लियर? अरे क्या क्लियर, मेरे को तो क्लियर हुई नहीं, मैं क्या बोला। सर ध्यान देखना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कितने दिन के अंदर होगी, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर, और 30 दिन के अंदर क्यों, वो ऑडिटर अपॉइंट करना होता है, ओके। उसके बाद फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद जो भी रिमेनिंग क्वार्टर्स की मीटिंग है वो कितनी होगी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के बाद 3 और मीटिंग होगी, और हर साल कितनी होनी चाहिए, लगातार 4, 2 मीटिंग के बीच में मैक्सिमम गैप 120 डेज का, और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोलता है कि हर एक क्वार्टर में भी क्या होनी चाहिए, 1 मीटिंग, मतलब ये सारी कंडीशंस आपको क्या करनी है, कंप्लाई करनी है। उसके बाद ध्यान से देखना, ये हो गया गैप वगैरह, उसके बाद पीसी है बच्चों, हाँ यस यस, रुको 15 मिनट और रुको, जस्ट वेट फॉर 15 मिनट्स, पीसी है बच्चों, इधर देखो, तो ये प्रोविजन ध्यान में रखना। उसके बाद अच्छा, जब मीटिंग ऑफ किसकी हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो, तो आपको क्या करना है, अब यहां पे अपन को बहुत डिटेल में क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड नंबर 1 क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, SS1 अपने को पढ़ना पड़ेगा, प्लीज हियर। सो ध्यान से देखिए, 1 मिनट बच्चों, सो प्लीज हियर, अच्छा रेगुलेशन नंबर 67-75 जो टेबल एफ का है, उसमें भी क्या लिखा हुआ है, बोर्ड मीटिंग के बारे में लिखा हुआ है, किसके बारे में बच्चों, रेगुलेशन 67-75 में भी क्या लिखा हुआ है, बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है, इसमें सब कुछ बताया गया है। हाँ बेटा, दो मिनट से मुझे देख लो, इधर उतना बुरा नहीं हूं, इधर, अब शक्ल से हर आदमी को जज नहीं करते बच्चों, शक्ल खराब है इसका मतलब ये नहीं कि आदमी भी खराब है, ठीक है, तो बच्चों प्लीज, ऐसा मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, तो मैं चाहता हूं तुम भी मेरे लिए सोचो, प्लीज हियर, अरे यू आर एन एक्सेप्शन, प्लीज, तो बच्चों ध्यान देखिए, प्लीज हियर बच्चों, तो बच्चों ध्यान देखिए, तो मैं ये बोल रहा था प्लीज हियर, तो रेगुलेशन 67-75 जो रेगुलेशन है उसमें बोर्ड मीटिंग के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है, कोरम के बारे में लिखा हुआ है, देन नोटिस के बारे में लिखा हुआ है, फिर अगर मीटिंग के एडजमेंट के बारे में लिखा हुआ है, तो वो काफी कुछ किससे मिलता जुलता है, एक्ट में जो प्रोविजन है उससे मिलता जुलता है, तो एक बार आप चाहो तो वो देख सकते हो। उसके बाद चेयरपर्सन के बारे में लिखा हुआ है, सो जस्ट यू कैन सी। उसके बाद बच्चों बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन का देना है, 7 दिन का नोटिस, बोर्ड मीटिंग का नोटिस कितने दिन का देना है, सो आपको यू हैव टू गिव अ 7 डेज नोटिस। अच्छा 7 डेज का मतलब क्या हो गया,
यस, ये 7 days का मतलब क्या हो गया, 7 clear days, 7 clear days बोल दो। मीटिंग के बीच में और नोटिस के बीच में कम से कम कितने का गैप होना चाहिए, 7 days का। अच्छा, और किस एड्रेस पे भेजना है, किस एड्रेस पे भेजना है, जो एड्रेस कंपनी के रिकॉर्ड में अवेलेबल है उस एड्रेस पे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही भेज सकते हैं, या फिर हाथ से भी, मतलब हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब बच्चों हमेशा याद रखना, सेक्शन में लिखा है नोटिस ऑफ एवरी बोर्ड मीटिंग शैल बी गिवन टू एवरी डायरेक्टर। तो इसमें एक चीज याद रखना, कई कंपनियां पूरे साल भर की मीटिंग का कैलेंडर दे देती है किस डेट को बोर्ड मीटिंग होगी, तो भी अपने को क्या करना है, नोटिस हर मीटिंग का देना है। कई कंपनियां आज की मीटिंग में डिसाइड करती हैं कि अगली बोर्ड मीटिंग कब होगी, तो भी आपको क्या करना है, इंडिविजुअल नोटिस देना है। अगर कोई डायरेक्टर बोल दे कि मैं अगली मीटिंग में उपस्थित नहीं रह पाऊंगा, तो भी उसको क्या करना है, नोटिस देना है। अगर किसी डायरेक्टर को नोटिस नहीं दिया तो पूरी मीटिंग क्या हो सकती है, इनवैलिड हो सकती है। लेकिन वो डायरेक्टर जिसको नोटिस नहीं दिया था, अगर वो आके बोल दे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एक्ट को रेटिफाई करता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंडिया के बाहर जो डायरेक्टर रहता है, आपको उसको भी नोटिस भेजना है, उसको पोस्ट से भेजना है, पोस्ट से भेजो, कैसे भेजना है, भेज सकते हो। मेंबर के केस में मैंने बोला नहीं था, बट इंडिया के बाहर अगर डायरेक्टर रहता है तो एक दो डायरेक्टर ही होंगे, आपको उनको नोटिस भेजना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन कॉल करता है मीटिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, डायरेक्टर कॉल करता है, डायरेक्टर ऑर्डर करता है, किसको ऑर्डर करता है, कंपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर करता है, और कंपनी सेक्रेटरी चेयरमैन के साथ क्या करके, कंसल्ट करके, व्हाट डज ही डू, ही कॉल्स फॉर द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग में किसके थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अगर डायरेक्टर चाहे तो मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड से भी क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ मीटिंग का नोटिस कितने का है, 7 दिन का नोटिस है। अच्छा, अगर लेकिन तुम चाहो तो 7 दिन से कम के नोटिस में तुमको मीटिंग करनी है। बोर्ड मीटिंग के केस में कितने का नोटिस है, 7 दिन का, नॉर्मल जनरल मीटिंग में 21 days का। तुमको अगर 7 दिन से कम के नोटिस में बोर्ड मीटिंग करनी है, कितने के नोटिस में, 7 दिन से कम के नोटिस में अगर तुमको बोर्ड मीटिंग करनी है, कर सकते हो, 1 घंटे के नोटिस में, 2 घंटे के नोटिस में, यस, लेकिन शर्त है कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने मौजूद रहना है। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं था तो कुछ नहीं, जो भी डिसीजन आपने मीटिंग में लिए हैं आप उसको सारे डायरेक्टर को भेजो, लेकिन उसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने क्या करना चाहिए, उन मिनट्स को रेटिफाई करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए। किसने, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भेजो और उसने क्या करना चाहिए, डिसीजन एक में रेटिफाई करना चाहिए। उसके बाद अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं तो ये सारे प्रोविजन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते, मतलब कंपनी शॉर्ट नोटिस। अभिषेक, चलिए इधर देखिए ना, प्लीज सेव, तो क्या करना है आपको, मयूर मयूर भूल जाता है, देखता है तो फिर उसको देखते है, भूल जाता है मुंडी इधर भी घुमाने का है। मतलब ये ऐसा जो उगता क्या, इतना हंसी है, प्लीज सेव जो ना, प्लीज सेव है ना, लिसन भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, तो अगर किसी कंपनी में क्या नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो मैंने ये लाइन लिखी है, बट इसका मतलब वही है कि कोई दिक्कत नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मीटिंग शॉर्टर नोटिस पे होल्ड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोटिस कौन इश्यू करेगा, कंपनी सेक्रेटरी, और कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो ओए कोई भी डायरेक्टर या फिर कोई भी पर्सन जिसको डायरेक्टर ने क्या किया है, ऑथराइज किया। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड के 1 में बहुत डिटेल में, डीप में बताया गया, किसके बारे में, नोटिस के बारे में। ध्यान से देखिए, नोटिस में क्या क्या चीजें आएंगी, ओए बच्चे नोटिस में क्या क्या चीजें आएंगी, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द नोटिस, सीरियल नंबर, सीरियल नंबर मतलब बोर्ड मीटिंग का नंबर,
25वीं बोर्ड मीटिंग, 30वीं बोर्ड मीटिंग, डे डेट टाइम एंड फुल एड्रेस ऑफ व्हाट बेटा वेन्यू ऑफ द मीटिंग. जो कई आलसी कंपनी सेक्रेटरी रहती है वो क्या करते हैं, वो लिख देते मीटिंग होगी रजिस्टर ऑफिस अंधाड़ में जाओ. इसलिए उन आलसी कंपनी सेक्रेटरी इसलिए बोला है कमीनो फुल एड्रेस लिखो कम जहां पे मीटिंग होने वाली. मतलब मैं भी ऐसे ही करता था, रजिस्टर मीटिंग होगी रजिस्टर ऑफिस में बस. अब वो एक डायरेक्टर ने मेरे को बोल दिया भाई रजिस्टर ऑफिस कहाँ है. मैंने सर आप डायरेक्टर हो कंपनी के, तो बोले मेरे को नहीं पता रजिस्टर ऑफिस क्या है, क्या होता है ये. फिर मेरे को समझ में ऐसा लाया है अहमदाबाद का है, इससे मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. चलिए एजेंडा अब ध्यान से देखो. ओ बाप भाई साहब इधर देखो. अब बच्चों नोटिस, नोटिस में आप क्या लिखते हो, डे डेट टाइम प्लेस, और उसके बाद आप नोटिस में और कुछ नहीं लिखते. मतलब सोचिए उस डायरेक्टर के ऊपर क्या गुजरती होगी जो मीटिंग में तो आने वाला है बट उसको पता नहीं है कि मीटिंग में क्या होगा. समझ में आ रहा है. नोटिस में तो आप इतना ही लिख देते हो कि भाई आ जाना उस तारीख को मीटिंग है, बट बेचारे को कुछ तो आइडिया दो. तो वो थोड़ा क्या करके आए, प्रिपरेशन करके आए. तो इसके लिए हमने कंसेप्ट निकाला, कौन सा एजेंडा. हमारी आईसीएसआई एक स्टेप आगे चली गई, नोट्स ऑन एजेंडा. जैसे जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन के साथ क्या आता है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आता है, वैसे ही क्या आ गया, नोट्स ऑन एजेंडा आ गया. और उसके बाद एजेंडा पेपर्स. एजेंडा पेपर मतलब अगर उस एजेंडा से रिलेटेड कोई पेपर्स वगैरह है तो उसकी जानकारी. सो नोटिस और जनरल मीटिंग का क्या बच्चों, नोटिस प्लस बच्चों नोट्स ऑन एजेंडा. ये सब भी कब देना चाहिए, मीटिंग के 7 दिन पहले. तो नोट्स ऑन एजेंडा में क्या लिखा होगा, अरे पता नहीं क्या नोट्स ऑन एजेंडा में क्या होगा. एजेंडा में लिखा होगा कि भाई ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेफरेंशियल इश्यू के बारे में. प्रेफरेंशियल इश्यू क्या है, कैसे होगा, कंपनी क्यों लेके आ रही है, ये सब कहां पे होगा, नोट्स ऑन एजेंडा. इज दैट क्लियर. नोट्स में लिखा कि मिस्टर श्याम को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो एजेंडा में क्या लिख देंगे, क्यों अपॉइंट करना है, कैसा आदमी है, क्वालिफिकेशन क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है. एग्जैक्टली. सो नोट्स ऑन एजेंडा के माध्यम से क्या होता है, एक क्लैरिटी आती है डायरेक्टर्स को. क्या आती है, एक क्लैरिटी आती है कि मीटिंग में होने वाला क्या है. उसके बाद ये सब वही चल रहा है बच्चों, नोट्स ऑन एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा. कुल मिला के नोट्स ऑन एजेंडा लगाना है. एग्जैक्टली. उसके बाद ये वाला पॉइंट एक बार रीड कर सकते हैं, ये रीड कर सकते हैं. उसके बाद प्लीज, उसके बाद ये भी नोट्स ऑन एजेंडा के बारे में. अच्छा एक और चीज सुनो ध्यान से. जैसे अपन जनरल मीटिंग में क्या करते हैं, जनरल मीटिंग का जो नोटिस भेजते हैं इधर, जनरल मीटिंग का जो अपन क्या करते हैं, शेयर होल्डर के घर पे क्या भेजते हैं, कौन सी मीटिंग का. तो अपन जनरल मीटिंग के नोटिस में ना वो नोटिस में रेजोल्यूशन भी लिखते हैं, बट एजेंडा में जरूरी नहीं होता. क्या नहीं होता, रेजोल्यूशन लिखना. सिर्फ आप बता देते हो कि मिस्टर श्याम को डायरेक्टर अपॉइंट करना है. नोट्स में आप क्या दे देते हो, डिटेल्स दे देते हो कि श्याम कौन है, क्या है. तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो, नोट एजेंडा में भी आप क्या कर सकते हो, एग्जैक्ट रेजोल्यूशन दे सकते हो, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी. अच्छा कोई आइटम अगर आपने एजेंडा में नहीं लिखा था, कोई आइटम अगर आपने, तो भी क्या आप उसको बोर्ड मीटिंग में कंसीडर कर सकते हो. यस yes, आप उसको बोर्ड मीटिंग में कंसीडर कर सकते हो. लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऐसे डायरेक्टर को, अगर ऐसे मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रपोजल मीटिंग में ले रहे हो जो ऑलरेडी किसी एक कंपनी में क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, इसको आप रेंडमली उठा नहीं सकते, इसका आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना. नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज नेक्स्ट, होल्डिंग ऑफ मीटिंग या होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के थ्रू. क्या करना है बच्चों, अपने को
बोर्ड मीटिंग होल्ड करना है। चलिए,